विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमामस्ते यच्छत् पुष्पाणिं गृहीत्वा श्रीवृन्दादेवी पूजनं सर्वोपचारार्थे गन्धाच्छत् पुष्पाणिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णं च ध्याय कान्ते सीतामृषति निन्दितसारदेन्दु यत्रैर्कतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृंदावने कृतया मुनगांग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि भगवते श्री बालकृष्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाच्छत पुष्पाणिं समर्पयामि श्री पुराण पूजनम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भगवते श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः पाद्याद्भिसं पूज्यो गन्धाद्भिसं पूज्यो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि हस्ते अच्छत् पुष्पाणिं गृहीत्वा श्री शुकदेव पूजनम् तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष भगवते श्री व्यास नंदनाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाच्छत पुष्पाणिं समर्पयामि अथ व्यास पूजनम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार विन्दायत पात्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप ओम रत्नेश्वर्यै नमः श्री ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाच्छत पुष्पाणिं समर्पयामि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुख अग्निरजायत Thank you.
क्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।
कथा क्रम में हम आप सब लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व आज यहाँ जिनकी कृपा से हम भागवत की कथा आप सबको सुना पा रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु जी जिन्होंने अध्ययन करा करके इस योग्य बनाया कि कुछ भागवत जी की सेवा कर सकते हैं। जय हो। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाओ, अब जहां स्थान है वहीं बैठ जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिन्होंने इस बालक को पढ़ा करके श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने के लिए व्यास मंच पर बिठाया, ऐसे तो सब संतों की कृपा है बालक के ऊपर, वृंदावन के हों चाहे बाहर के, सब संत बहुत स्नेह करते हैं। परंतु हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी और हमारे शिक्षा गुरुदेव जो कि आज पधारे हैं, पंडित श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी, जिनके आश्रय में आज भी हम पढ़ते हैं। अब तो इतने व्यस्त कर दिया आप लोगों ने कि अब नहीं पढ़ पाते, बहुत गलत लगता है, लेकिन फिर भी गुरुजी से जब भी फ़ोन पर बात होती है, गुरुजी फ़ोन पर ही पढ़ा देते हैं मुझे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज पधारे हैं, और नया एक गुरुजी कल भी पधारे थे, आज भी पुनः यहाँ पर हम सबको आशीष देने आए हैं। ऐसा समझो कि नंदोत्सव है, तो नंदोत्सव में बधाई लेवे के काजे और लाला को आशीष देवे के काजे साक्षात गर्गाचार्य जी और शांडिल्य मुनि पधारे हैं। तो आज की तो शोभा ही अलग है। आप सब लोग तो बढ़िया पीले पीले, हमारे किसी ने बनवाए नहीं तो हम सफेद ही पहने आए। तो पूज्य गुरु जी विराज रहे हैं और नैयायिक गुरु जी भी आए। नैयायिक गुरु जी तो संस्कृत में ही बोलते हैं, पर आज गुरु जी इन सबको भी, हमको सब अल्प बुद्धि के हैं, आप हिंदी में ही कुछ आज्ञा करिएगा। तो दो दो मिनट दोनों गुरुजनों का हम आशीष ग्रहण कर लें, उसके बाद कथा क्रम में प्रवेश करेंगे, ताकि कथा में फिर आनंद से, आज कथा लाइव का समय तो 7 बजे तक है, आस्था वाले 7 बजे तक आनंद लेना, बाकी हम लोग 8 बजे 9 बजे जब तक कृष्ण जन्म हो, वैसे तो 12 बजे का नियम है रात को, तब तक कमर कस के बैठो। लेकिन वैसे हम जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि कल कथा 2 बार होगी ना, कल कथा सुबह भी है फिर शाम को भी है, और परसों तो कथा बहुत ही सुबह है, तो इसलिए अभी गुरुदेव का आशीष हम लोग ग्रहण कर लें, फिर उसके बाद कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से विराजमान होकर श्रवण करें। बलि वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ में विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य सुखदेव स्वरूप, वैसे तो नाम लेना निषेध है लेकिन अब आदत खराब है, तो हमारे व्यास जी इंद्रेश जी के चरणों में वंदन। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जब हम अनेक धर्म की और भक्ति की चर्चा करते हैं तो विशेष रूप से दो बालकों को याद करते हैं, नहीं? कौन कौन? बोले प्रह्लाद जी और ध्रुव जी। जब भक्ति करते हुए माताओं की हम चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं मीराबाई, सक्खूबाई, तो ठीक उसी प्रकार कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहीं कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, और मैं तो जिस
कॉलेज में संस्कृत में पढ़ा हूँ, गुरुजी सामने हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं हमारे, प्रोफेसर भी रहे हैं, हमने आपसे भी पढ़े हैं। गुरुजी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तदा आत्मानम इति दिव्यात्मानम अहम् सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान स्वयं उस गीता के दोनों वाक्य सबको याद होगा, ऊपर वाले पंक्ति में कहते हैं तदा आत्मानम अहम् सृजामि धर्म संस्थापनार्थाय, पहले मैं दिव्य आत्माओं को इस धरती में सृष्टि करता हूँ, फिर संभवामी युगे युगे युग युग में मैं भी अवतार लेता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर ध्रुव जी नहीं आते, प्रह्लाद जी न होते, कुछ अधूरा रह जाता नहीं कथा में? ऐसे ही आज आप हमारे बीच में इंद्रेश जी न होते तो कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होता कि नहीं, बताइए? क्योंकि गुरुजी सामने बैठे हैं इसलिए मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। भागवत के नवयोगेश्वर संवाद में जो अंतिम संवाद है तो वहाँ करभाजन कहते हैं कृतादिषु प्रजाराजन कलौ इच्छन्ति संभवम्, बोले जो सतयुग में पैदा हुए थे वे कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले कलयुग में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि सतयुग में इंद्रेश जी थे ही नहीं, तो कलयुग में इंद्रेश जी पैदा हुए तो हम भी जो है, गुरुजी है ना ये श्लोक, क्योंकि सतयुग में यज्ञ याग तप आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन था, वो बहुत कुछ करते रह गए लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो चलो भैया कलयुग में जाएंगे, इंद्रेश जी के सुंदर पद सुनेंगे, वृंदावन का परिक्रमा लगाएंगे, बास मिले गो है गो वृंदावन, क्योंकि वृंदावन आप लोग आए हो, ये कोई साधारण थोड़ी है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, जहाँ प्रवेश होते ही सचिदानंद घन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप लोग कुछ वृंदावन धाम के नाम से आए होंगे, एक आध दो तो इंद्रेश के नाम से आए होंगे, सच बताना है कि नहीं भैया? वहाँ 7 दिन जो है उनका सानिध्य मिलेगा तो हमें जरूर जाना चाहिए। तो वर्तमान के हमारे देश विदेश के जितने भी कोने कोने में इस कथा को सुन रहे हैं, जिस प्रकार पहले भक्तों के प्रतिनिधि ध्रुव जी हुआ करते थे, जिस प्रकार प्रह्लाद जी हुआ करते थे, इस समय बिल्कुल उदयमान सूर्य के समान हमारे इंद्रेश जी विश्व के प्रत्येक कोने में जो है भक्ति संस्थापनार्थाय, भक्ति को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। आप इसी प्रकार स्वस्थ रहकर सभी को भगवत भक्ति और वृंदावन धाम से जोड़ने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी कल ही हम कथा में कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अपनी प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुरु जी प्रशंसा नहीं आशीष दे रहे हैं हमारे गुरुदेव पूज्य गुरु जी ने। क्योंकि आप लोग भागवत सुन रहे हैं, प्रह्लाद जी ने ध्रुव चरित्र को वीणा में भर भर कर प्रचेताओं के सभा में गाया है, क्योंकि प्रह्लाद जी कहते हैं कि भाई, नारद जी कहते हैं वीणा बजाते हुए कि ध्रुव को भगवत प्राप्ति का मार्ग मैंने बताया, बनम मदादेश करह, तो मैं इतना तो अभिमान नहीं करूँगा क्योंकि आप स्वयं ब्रजवासी हैं, तो कम से कम जुड़ने का सौभाग्य हमें मिला तो इसलिए हम आपकी यश गाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से गाया जा रहा है गुरु का भी और शिष्य का भी। क्योंकि सच कहो स्वामी विवेकानंद न होते तो शायद रामकृष्ण परमहंस जी को इतनी ख्याति न मिलती, ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ाता हूँ तो बच्चे जो वृंदावन में पढ़ने मेरी TRP बढ़ जाती है, और फलाने के गुरु जी तो आपके वजह से हमारा गाड़ी बढ़िया चल रहा हो जी, राधे राधे। तो ये कोई प्रशंसा नहीं है, जो सत्य है यथार्थ है। जय हो, पूज्य गुरुदेव को बारम्बार प्रणाम, साथ में श्रोत मुनि से भी भैया पधारे हैं उनको भी प्रणाम। हमारे मध्य में आज वृंदावन के परम विद्वान, और अभी अभी हमारे गुरु जी ने बताया कि आपसे भी पढ़ें तो हमारे दादा गुरु पूज्य श्री नयायक जी पधारे हैं, महाराज जी से भी प्रार्थना, 2 शब्द आप भी आशीर्वचन सब वैष्णवों को प्रदान करें, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बटन विना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामी स्मरामी,
हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामे क्षयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारंकारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारम हारमपीन्द्रजालमिवयः कुर्वन् जगत् क्रीडति तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूवाशमन्तेष्वपि दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधान हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभासमाना समाना सामे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलकोटिब्रह्माण्डनायकाः लीलापुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य बालरूपेण व्यासपीठस्य उपरि विराजमानाः बालकृष्णजीलाल बालकृष्णलालजी महाराजाः प्रत्यक्षकृष्ण एव हि इत्यनया सूक्त्या साक्षात् भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य लीलापुरुषोत्तमस्य वाङ्मय विग्रहरूपेण विराजमानाः व्यासपीठस्य अग्रभागे श्रीमद्भागवत महापुराणजी महाराजाः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अनया पंक्त्या साक्षात् विष्णुकल्पाः व्यासपीठाधिष्ठिताः आचार्याः श्री इंद्रेश जी महाराजाः अस्माकं दक्षिणभागे अस्माकं आगमनात् प्राग्मेव एषां महानुभावानां समागमनं जातम् अत्र मञ्चे अस्माकं परम प्रियतमाः शिष्याः श्री शिवजी उपाध्यायः अस्मिन् वृन्दावने तावत् बहवः भागवतस्य मर्मज्ञाः विद्वांसः समायाताः यैः सर्वैः एतेषां चरणकमलेषु अध्ययनं क्रियते श्रीमद्भागवत महापुराणस्य। एवमेव इतः पूर्वम् अस्माकं महाविद्यालयस्य गौरवभूताः छात्राः प्रियतमाः आसन् इदानीमपि सन्ति वृन्दावने आचार्यनेत्रपालशास्त्रिणः तैरपि अध्यापनं विधीयते। आपने आज्ञा दी थी हिंदी में बोलने की, क्षमा कीजिएगा। तो देखिए इंद्रेश जी, यह प्रशंसा नहीं है जो शिव जी ने की है, वास्तविकता है। वस्तुतः प्रशंसा करने पर थोड़ा गलत होता है, यह बात अलग है, लेकिन वास्तविकता का अपलाप भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वैदिक यह पद्धति है कि किसी भी जातक या जातिका के शरीरागमन संसार में होने के बाद 12वें दिन पिता के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है, द्वादशे अहन पिता नाम कुर्यात। तो हमारे भागवत भास्कर स्वनामधन्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, जो वस्तुतः विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, विद्या भास्कर होते हुए भी अत्यंत विनम्र हैं। और यह मैं गौरव के साथ कह रहा हूँ कि हमारे महाविद्यालय का गौरव है, जैसे शिवजी उपाध्याय हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं, वैसे ही हमारे महाविद्यालय के ही छात्र कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी हैं। यह हमारे महाविद्यालय का गौरव है जो पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत की पताका को फहरा रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वजा का ध्वजारोहण यत्र तत्र सर्वत्र सारे विश्व में कर रहे हैं। तो आखिर में अगर कभी कहीं पर यह प्रकरण उठा कि आपने जो है स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्ययन कहाँ पर किया, तो श्री लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में किया, ऐसा लोग कहेंगे तो हमारा महाविद्यालय भी गौरवान्वित होगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए वास्तविकता यह है, यथा नाम तथा गुण। कोई अपवाद की बात एक अलग है कि किसी का नाम धनपति रख दिया जाए और वो कहीं बैठ के रोड पर जो है कटोरा लेकर के बैठ जाए और भिक्षाटन करे, तो कहीं कहीं ऐसा अपवाद हो जाता है धनपति होते हुए भी कटोरा लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन प्रायः पिता के द्वारा 12वें दिन वैदिक पद्धति के द्वारा
अपने जातक का नामकरण जो किया जाता है वह सार्थक ही होता है। और देखिए जब आपत्ति विपत्ति इस धरा पर आती रही है, जैसे अभी ने गीता का श्लोक हमारे शिवजी उपाध्याय जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। और इन्होंने वहां तदात्मानम की व्याख्या जो कि अपनी बुद्धि के अनुसार किया। और देखिए वास्तविक बात तो यह है कि जैसे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना की है, जिस समय उन्होंने संरचना की उसी समय अगर मंगलाचरण से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक श्लोक का भावार्थ शब्दार्थ अन्वय प्रसंग और संदर्भ के सहित अगर लिख के चले गए होते तो शायद कृष्णचंद्र ठाकुर जी, शिवजी उपाध्याय जी, नेत्रपाल शास्त्री जी, इंद्रेश जी उतना महत्वपूर्ण व्याख्यान नहीं कर पाते। क्योंकि अगर उससे हट करके व्याख्यान करते तो जितने लोग भी उसका अध्ययन करते यही कहते कि व्यास जी ने भागवत लिखी है, व्यास जी ने तो इस श्लोक का यह भाव लिखा है और इंद्रेश जी इसका यह भाव बता रहे हैं। तो ग्रंथकर्ता के भाव से हट करके भाव बता रहे हैं तो शायद उतनी आस्था नहीं हो पाती। इसलिए जितने भी सनातन धर्मावलंबी महापुरुष हमारे इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं हमारा आपका सबका उद्धार करने के लिए, उन लोगों ने सूत्र रूप में ग्रंथ को यहाँ पर हमको आपको दिया है और उसका भाष्य या व्याख्यान करने के लिए कृष्णचंद्र ठाकुर जी जैसे और इंद्रेश जैसे आचार्यों को भेजा। इसीलिए इन्होंने कहा तदात्मानम सृजाम्यहम, वहाँ आत्मानम की व्याख्या इन्होंने आचार्यम यह किया है। तो उसका कारण यही है कि जिसकी जैसी बुद्धि होगी, जैसी प्रतिभा होगी, उसके अनुसार व्याकरण शास्त्र के अनुसार एक ही शब्द अनेकार्थक होता है, माने अनेक अर्थ को बतलाने वाला ही एक ही शब्द होता है, लेकिन प्रकरण के अनुसार जो है अर्थ लगाया जाता है। तो इन्होंने तदात्मानं सृजाम्यहम् जो अर्थ किया उसका वह कोई गलत नहीं है। जैसे हमारे रामानुजाचार्य जी आए, शंकराचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी आए, निम्बार्काचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी आए, रामानंदाचार्य जी आए, ये सभी वह तदात्मानं के अंतर्गत इनकी व्याख्या के अनुसार हो जाएंगे। और संभवां युगे अयुगे वहाँ खंडाकार अगर ले लिया जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, खाली 24 अवतारों में भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, माने भगवान भी अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। अगर वह प्रकरण पूरा हो गया होगा इंद्रेश जी के मुखारविंद से सुन करके आप लोग अपने को कृतार्थ किए होंगे, तो ब्रह्मा जी ने जब गोपालों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को, सबको जो है हरण किया है, उस समय भगवान ने सबका रूप धारण किया है और एक वर्ष तक रूप धारण किए हुए थे। वह अभी तो भगवान का अवतार ही है, चाहे एक ही वर्ष के लिए हुआ, चाहे क्षण भर के लिए ही हुआ। इसलिए हरि को अगर किसी सीमा में बांध दिया जाए तो हरि का अनंतत्व ही खंडित हो जाएगा। तो यथा नाम तथा गुण के अनुसार इनका नाम हमारे भागवत भास्कर किरणचंद्र ठाकुर जी ने, और एक बार और आपको बता दूं, ये अपने माता पिता की अंतिम संतान है। इनसे बड़ी तीन जो है इनकी अग्रजा लोग हैं, अग्रजा मतलब जो पहले उत्पन्न हुई हैं ऐसी इनकी दीदी लोग हैं तीन। उसके बाद जो है सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका के अनुसार भागवत की कथा करते 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 एक स्थायी जगह पर जब आकर के हमारे ठाकुर जी भागवत भास्कर जी पहुँचे तो उनको शायद यह अनुभव होने लगा कि हमारी इस परंपरा को आगे पूरे विश्व में फहराने के लिए हमारे कुल में हमारे पुत्र के रूप में ही किसी को आना चाहिए। तो भगवान की उन्होंने आराधना की, उस आराधना के फलस्वरूप इंद्रेश जी का प्रकटीकरण हुआ। और इंद्रेश का नाम यहाँ जो है स्वर्गाधिपति जो इंद्र है वह इंद्र नहीं है। वेदांत सार एक ग्रंथ है जो शास्त्री में पढ़ाया जाता है, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है सदानंद का, वहाँ पर लिखा हुआ है इंद्रो माया भी पूर्व रूप इयते। वहाँ इंद्र जो है नारायण परक है, विष्णु परक है, माने योग माया के द्वारा अनेक रूप धारण करता है, इसीलिए कहते हैं एको हम बहुश्याम। तो यहाँ जो है इंद्र एव ईशः इंद्रेश है। और वैसे भी यह परंपरा है कि श्रीमद् भागवत में जिस तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है, पर तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है, उस पर तत्व को समझने वाला जो पर तत्व होगा वही समझ सकता है, वो भी हो सकता है, और इंद्र एव ईशः ये भी हो सकता है। हम तो नहीं,
भवतु नाम तथा वितावत अस्माभिस्तावत या वित्पत्ति कृता इंद्रो माया भी पूर्व रूप इयते अनया वित्पत्या तावत इंद्रियव ईशः इंद्रेशः अर्थात साक्षात विष्णुयेव इंद्रेशः। अतः अब दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस राधा और कृष्ण तत्व का प्रबलतया प्रतिपादन किया गया है वह राधा कृष्ण तत्व इतना जटिल है, इतना गहन है, इतना सर्वोत्कृष्ट है कि सोई जानई यह देई जनाई, तो जो उसकी कृपा का पात्र होगा वही उसको जान सकता है और जानत तुम ही हो जाई, जानने के बाद वह तद्रूप ही हो जाता है, विष्णु रूप ही हो जाता है। तो विष्णु तत्व को, नारायण तत्व को, राधा तत्व को, कृष्ण तत्व को समझने वाला जो होता है, संभवतः हम समझते हैं हमारा तो जन्म जब हुआ है उसके बहुत पहले से यह परंपरा चलती चली आ रही है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वही ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यहाँ जब व्यासपीठ पर हमारे इंद्रेश जी विराजमान होते होंगे तो हमारे मुख्य यजमान जी जब आकर के इनको टीका लगाते होंगे और जो है व्यास वंदन करते होंगे, भागवत पुराण का वंदन करते होंगे, सुखदेव जी का वंदन करते होंगे, तो यहाँ कुछ पंडित जी लोग जो है श्लोक यह बोलते होंगे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वही ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यह परंपरा इसीलिए चलती आ रही है कि भगवत तत्व को भगवान ही प्रतिपादित कर सकता है, भगवत अतिरिक्त कोई नहीं प्रतिपादित कर सकता है, वही उसको जान सकता है। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास साक्षात नारायण रूप थे और जिन जिनको भी उन्होंने उनके द्वारा परंपरा चली चतुश्लोकी भागवत से लेकर के वही नारायण ही उनके रूप में आज तक कथा करते चले आ रहे हैं, तो वही नारायण ही इंद्रेश जी यहाँ बैठे हैं जो हमने कहा इंद्रो माया भी पूर्व रूप इयते, क्योंकि भागवत तत्व का प्रतिपादन करना कोई आसान नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, और ये विद्यावान हैं इसीलिए भागवत में जो तत्व है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्या का वास्तविक फल क्या है, परम पद की प्राप्ति करना, भगवान के चरण कमलों में उपस्थित हो जाना, यही विद्या का परम पद है, परम फल है। लेकिन परम फल डायरेक्ट नहीं है, हम वहाँ से उतरे हैं, अगर हमारे अंदर योग साधना की वह शक्ति होती तो आँख मूंद लेते और वहीं से आँख मूंद के यहीं आकर के सोफा पर बैठ जाते, लेकिन अभी वह सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, इसलिए प्रत्येक सीढ़ी उतर करके मुझे आना पड़ा, और जब जाएंगे तो प्रत्येक सीढ़ी चढ़ करके जाएंगे, तो प्रत्येक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। सुख पद जो है परम पद का वाचक है, वह अंतिम में मिलता है। और यहाँ देखिए हमारे जो है श्री आचार्य इंद्रेश जी महाराज विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने को कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, यहाँ तो गुरु जी बैठे हुए हैं। ऐसे शिव जी और राम सुदर्शन जी हजारों यहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं, इंद्रेश जी के द्वारा ही हमारा इनका सबका जो है नाम हो रहा है। वस्तुतः इंद्रेश जी भागवत तत्व के मर्मज्ञ विद्वानों में हैं। मैं श्रीमद् भागवत पुराण और श्री बालकृष्ण और भगवत रूप श्री व्यास जी के चरणों में वंदन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी ने जो भी भाव कहे सबको स्वीकार, बस सेवा के लिए पधारे हैं भैया हम आप सब लोग। ठाकुर जी ने सबको नियोजित किया हुआ है, किसी को कोई सेवा, किसी को कोई सेवा। हमको सेवा दी है कि भैया ने एकाध अपनी कथा सुनाएं और सुना करके आप सबको वैष्णव भक्ति पथ का पथिक बना सकें। लेकिन 27 वर्ष की आयु में आज पहली बार इंद्रेश की व्याख्या सुनी हमने। दोनों गुरुदेव उन्हें मिलकर के जो सुंदर भाव आशीष दिया है, बस सदा यही है कि जैसे कल हम इच्छा मृत्यु की चर्चा कर रहे थे तो बस वही है कि श्री भीष्म पितामह जैसे अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे ही आपकी इच्छा मृत्यु हो कि भैया ये कथा चलती रहे और सुनते 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 श्री ठाकुर जी युगल स्वरूप में हमारे सन्मुख प्रकट हो जाएं और एक क्षण दर्शन करते ही प्राण निकल जाएं। हमारी भी यही अभिलाषा है कि गुरुजन ऐसी कृपा करें कि इस व्यासपीठ पर कथा कहते 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 उसी गुणानुवाद का चिंतन करते बोलते हुए ही बस ये तन से प्राण निकलें। और एक बात और कहें, जैसे हमारे वृंदावन में कहते हैं जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो,
ऐसे हम भी ठाकुर जी से और गुरुजनों से प्रार्थना करें कि लाल जी से प्रार्थना करियूं कि हमको वैकुंठ ना चाहिए, हमको बार बार जन्म चाहिए और बार बार व्यासपीठ चाहिए, ताकि खूब ठाकुर जी के यश गा सकें, ठाकुर जी के मंगल भावों को गाने के लिए ऐसी जिह्वा मिलती रहे, ये तन उनकी सेवा में लगा रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ गुरुजनों को प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करें। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। धेयं सदा परिभवद्गमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यं भक्त्यार्थहं प्रणतपालभवाद्विपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरकृति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां जय जय राधा रमण हरि वो 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 जय राधा रमण
भाव से गाओ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, मेरे चैतन्य महाप्रभु भिक्षा याटन करने के लिए जाते थे, और जब किसी के घर के बाहर भिक्षा के लिए जाते तो पात्र आगे करते, तो घर के जो सदस्य होते थे वो भीतर से दाल चावल जो भी
भिक्षा के लिए देना होता था लेके आते थे। जैसे ही दाल चावल लेके आते तो महाप्रभु जी अपना हाथ पीछे कर लेते, बोले बाबा कहाँ भयो भिक्षा लेवे आयो लो। बोले नहीं ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो घर में कितने लोग हैं? बोले हम 5 लोग हैं, हम पति पत्नी और हमारे 3 बालक। तो बोले आप 5ों से निवेदन है भुजा उठा करके हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल दीजिए, यही हमारी भिक्षा है। घर घर जाते और सबसे जाकर के कहते कि हमको भिक्षा दो, और भिक्षा में कोई सामग्री लाते तो सामग्री नहीं लेते, बोलते बस आप हरी बोल बोल दो यही भिक्षा हमें चाहिए। ऐसे महाप्रभु जी सबसे नाम की भिक्षा मांगते थे। हम लोगों की जीव हमारे वश में है, श्रीधाम वृंदावन है, साल के अंतिम दिन चल रहे हैं, श्रीमद भागवत जी सन्मुख विराज रही है, कृष्ण जन्मोत्सव आज कथा में होने वाला है, सब अद्भुत श्रृंगार करके उर्दपुंड तिलक लगा करके यहाँ बैठे हो, धाम में विराज रहे हो, इसलिए भैया यहाँ पर कोई विचार मत करो, भुजा उठा करके भाव से ए हरी बोल 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 राधे बोल कृष्ण बोल सब विप्रनिकी 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोपेश्वर महादेव की समस्त ब्रजवासीन की रज रानी की रस रानी की महारानी वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्री राधा रमण बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल जी का शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत जी को बारंबार प्रणाम।
मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी विराजमान श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्रगण सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। श्री जी की कृपा से हम आप सब लोग वृंदावन धाम के यमुना जी के पावन पुलीन तट पर अविराजित होकर के भागवत भागीरथी श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोगों के मुखाकृति और वस्त्रों की शोभा ही बता रही है कि आज क्या है। जैसे वैष्णव के माथे का तिलक बता देता है कि ये ठाकुर जी का है, जैसे सौभाग्यवती नारी के मांग का सिंदूर बता देता है कि ये सौभाग्यवती है, ठीक वैसे ही आज की जो आपकी वेशभूषा है ये बता रही है कि आप सब लोग निश्चित ही ठाकुर जी का उत्सव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह भी एक वैष्णव लक्षण है बंधु, आपकी आभा प्रभा और आपकी बोली चाली, आपके नेत्रों का मटकना, आपकी शब्दावली, इससे परिचय हो जाए कि आप ठाकुर जी के हो। जैसे कोई विदेश में पढ़ा हुआ बालक हो तो उसका इंग्लिश का एक्सेंट ही बता देता है कि ये, इतना तक बता देता है कि अमेरिका में पढ़ा है कि लंदन में पढ़ा है, दोनों का एक्सेंट अलग है। अमेरिका में पढ़ा होगा तो निश्चित कुछ शब्द उसके उल्टे सीधे होंगे, उल्टे सीधे तो नहीं, वहां के एक्सेंट के अनुसार। जैसे इंग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, अब अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं स्केजुअल, अलग हो जाता है। तो कई बार भाषा से पता चल जाता है कि ये कहां का है या कहां पर रहा है। इसी प्रकार वैष्णव भी होते हैं बंधुओं, उनकी बोली चाली, उठना बैठना, चलना फिरना, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, बोली चाली, नेत्रों के मटकने का ढंग तक बता देता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। नंदोत्सव होने वाला है ना आज, तो इसलिए पहले से ठाकुर जी अलाराम बजा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बंधु, हमारा व्यवहार बता देता है कि हम वैष्णव। आप निश्चित माने प्रणाम करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उससे पता चल जाता है कि इसने कितना सत्संग किया होगा। एक हाथ से प्रणाम करता है तो निश्चित है इसको कुछ नहीं पता। प्रणाम करने में झुक कैसे रहा है, दंडवत भी कर रहा है तो कौन से पैर को आगे कर रहा है, किसको पीछे कर रहा है, हाथों की क्या कृति है, वैष्णव जन गुरुजन यही देखते हैं कि ये कितना जानकार है। हमारे प्रणाम की स्थिति तक बता देती है कि हम वैष्णव हैं कि नहीं। हमारी प्रत्येक नेत्रम वक्त्रम विकारेण, हमारे नेत्र, हमारी वाणी और हमारे आकार विकार से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। इसलिए वैष्णवता इन तीनों में परिलक्षित होनी चाहिए। वैष्णव जो होगा ना वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा। निश्चित गुरुजनों के संग रहने वाला, कथाएं श्रवण करने वाला, वो जब चर्चा करेगा तो वो निश्चित है कि अपने नेत्र घुमा नीचे रखेगा। वैष्णव जो होगा उसको जीव को जो प्रिय लगे वो भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, बस कुछ मिल जाए जिससे तन में शक्ति बनी रहे, ऐसी सामग्री ग्रहण करेगा। वस्त्र की भी शुद्ध नहीं होगी कि मैंने क्या पहना, कैसा पहना, कोई रीझा कि नहीं, ये सब वैष्णव लक्षण है। आपके आकार विकार विचार, बोली वाणी, भोजन, जल, इन सबसे पता चल जाता है कि हम वैष्णव हैं कि नहीं। इसलिए सबसे पहले व्यवहार में वैष्णवता लाओ। ये कथाएं आदि सुनकर के, संत जन वैष्णव जनों की प्रवचन सुनकर के अपने व्यवहार को पहले वैष्णव बनाओ।
व्यवहार में वैष्णवता होनी बहुत जरूरी है। आज कथाक्रम बहुत लंबा है, 9 स्कंद हमको पूरे करने हैं तब जाकर के, अभी 4 दिन में 3 एक ही स्कंद हुआ है, तो सोचो अब 9 स्कंद पूरे करने हैं। लेकिन इस बार हमको 2024 में श्री भागवत जी ने हमको एक बहुत सुंदर उपहार दिया है। यहाँ जितने भी लोग महाराष्ट्र के बैठे हैं वो लोग प्रसन्न हो जाना, और नासिक के बैठे हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। नासिक में 1 महीने की कथा है, 30 दिन, और बड़ी तपस्या वाली कथा है, लेकिन मुझे बहुत प्रतीक्षा है उस कथा की कि वो कथा कब प्रारंभ हो। जहां 1 महीने तक मुझे कोई रुकावट नहीं है, मुझे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि आज कृष्ण जन्म होना है, कल गोवर्धन लीला होनी है, फिर रुक्मणी विवाह होना है, स्वच्छंद हैं। आप एक एक श्लोक पर चाहो तो 5 दिन बोलो, लेकिन विस्तार से कथा करो। तो 10 अप्रैल से 11 मई तक 1 महीने पर्यंत 4-4.5 घंटे रोज श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन नासिक में होगा, बहुत आनंद आएगा। श्री दत्त धाम है वहाँ गोदावरी जी के तट पर, वहीं पर वो क्रम होगा, तो वहाँ हम विस्तार करेंगे। जितनी हमारी अभी 7 वर्ष हो गए कथा सेवा करते हुए, जितनी अंदर से लालसा रह गई है वो सब वहाँ निश्चित है, पूर्ण तो कभी ना हो, भगवान से प्रार्थना। मैंने एक दिन कथा में कहा ना, भक्ति में, भजन में, सेवा में सदैव अपूर्णता ही रहनी चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं ना, हमको महाराज जी संतुष्टि नहीं होती हमारी सेवा से, होनी भी नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना कि कभी संतुष्ट हो भी ना आप, सदैव असंतुष्ट रहना। कई लोग आते हैं, महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, संतोष ही नहीं होता, मन में ऐसा लगता है अभी कुछ रह गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये बने रहना चाहिए। जिस दिन लगा कि हाँ हमने कुछ सुन लिया, उस दिन से आना बंद कर दोगे, वृंदावन छूट जाएगा, ना कहीं जाओगे ना कुछ सुनोगे, ये अपूर्णता। संसार के भोग विलास में सदैव पूर्णता बनी रहे, और भगवत सेवा में सदैव अपूर्णता लगे। नहीं अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी चेन, मैं तृण से भी छोटा हूं, ऐसी भावना हमारे भीतर रहे सदा। तो आओ कथा क्रम में चलें। आज मुझ पर 2-3 प्रश्न भी हैं। एक प्रश्न आया है, उसको थोड़ा सा कह देते हैं। केन उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म इस सृष्टि को मकड़ी के जाले के समान रचता है और उसे वापस अपने में विलीन कर लेता है, तो प्रश्न यह है कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म ऐसा क्यों करता है, उद्देश्य प्रयोजन क्या है सृष्टि विस्तार का। देखो, केन उपनिषद में एक उदाहरण मात्र दिया गया है कि भगवान मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि बनाते हैं, और जैसे मकड़ी जाले को खुद में समेट लेती है ऐसी भगवान, वो केवल एक उदाहरण मात्र है। यदि आप उद्देश्य पूछो कि ठाकुर जी ने सृष्टि का निर्माण सृजन क्यों किया, इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण ये आता है, एको हम भविष्याम, अभी पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी कह रहे थे, भगवान एक हैं, और जब वे अपनी निद्रा से उठते हैं तब वे अकेले होते हैं, कुछ नहीं है उनके अलावा, कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर जी विचार करते हैं, भगवान क्या, जैसे ही वो विचार करते हैं, ब्रह्म जब विचार करता है तो उसकी विचार अपने आप क्रियाशील में परिवर्तित होने, जैसे हम कुछ विचार करते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं है, वो जो विचार करते हैं वो घटने लग जाता है। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार किया, नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न, ब्रह्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि में हम सब लोगों को बनाया, ये जीव आत्मा सबका निर्माण होने लगा। हमसे ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कि ठाकुर जी बोले भाई इनसे मुझको मिलवाओ। तब फिर ब्रह्मा ने नियम बनाया, बोले जो कर्म निर्वहन करेगा और भगवत भजन मार्ग अपनाएगा वो इस सृष्टि के चक्र को जीता हुआ भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, ठाकुर जी को मिलेगा, फिर पुनरपि जन्म उसका कभी नहीं होगा, वो ठाकुर जी के साथ सदा रहेगा। तो ये जो ठाकुर जी ने सृष्टि क्यों बनाई, इसके कई उत्तर हैं
और उत्तर मिलने पर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा, तो फिर इसमें कारण क्या था ठाकुर जी का? ये तो वही बात हो गई कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो फिर उन्होंने मुझे स्कूल क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों किया? इसलिए भेजा ताकि तुम और निपुण बनो, तुम और श्रेष्ठ बनो। हम सब जीवात्मा सदा ठाकुर जी के भीतर ही प्रदत्त रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ये और गुणवान हो और श्रेष्ठ बने, इसके लिए ये कर्म बंधन में बंधे और गुरुजनों के आश्रय से कर्म निवृत्त होकर फिर मेरी प्राप्ति करें और श्रेष्ठ होकर मेरे पास आए, इसलिए ठाकुर जी ने सृष्टि की है। तो सृष्टि क्यों की, ये क्यों, इसका उत्तर बहुत है, फिर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा क्यों। बद्रीनाथ में मेरी एक बार कथा हो रही, बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। तो वहां एक 6 वर्ष का बालक आया, उसने मुझसे ये प्रश्न किया था। उसने मुझसे ये कहा कि हम लोग जन्म लेने से पहले भगवान के पास थे। मैंने कहा, उस बालक का मुझे आज भी चिंतन इसलिए होता है क्योंकि उस बालक के साथ एक ऐसी घटना हुई थी, वो अपने पिता के साथ स्कूटर पर जा रहा था तो पतंग उड़ा रहे थे लोग, तो किसी की पतंग कटी तो रोड पर मंजा समझते हैं, वो मंजा एक छत से दूसरी छत पर ऐसे लटका हुआ था और रोड तक आ रहा था, और तभी वो स्कूटर निकला तो वो मंजे से बालक की पूरी गर्दन ऐसे यहां से कट गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया था। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, ये 2019 की बात है, छोटा सा बालक, बहुत सरल सहज, उसके निशान था यहां पर। तब उसने आकर के बोला, महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा बताओ। हम लोग जन्म लेने से पहले ठाकुर जी के पास थे। मैंने कहा, तो फिर उन्होंने खुद से दूर क्यों भेज दिया, उन्होंने हमको यहां पृथ्वी पर क्यों भेजा, जब क्या हमसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते इसलिए हमको भेजा? मैंने कहा नहीं, प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि वो अति सामिप्य में कम होने लग जाता है। वस्तु जब हमको सहजता से प्राप्त होती है धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन बीच में एक दूरी बनी रहे तो निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। इसलिए मैं कई बार कई लोगों से कहता हूं कि वृंदावन आने की इच्छा होती है तुरंत गाड़ी में बैठ के भगमत आया करो वृंदावन, थोड़ा तड़पो, थोड़ा अपने आप को विचलित होने दो, क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों को पुष्ट होने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं, इसीलिए सृष्टि का सृजन होता है, इसीलिए सृष्टि होती है। एक प्रकार से भगवान ने ब्रह्म ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका प्रश्न यह भी हो सकता है कि बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है, आपने मुझे जन्म क्यों दिया। बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों बनाया, और बनाया था तो मैं आपका प्रिय हूं, आप सदा अपने पास रखो, मुझे दूर क्यों भेजते हो? श्रेष्ठ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए। उद्धव भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उद्धव को आज्ञा करते हैं कि तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों को समझा करके आओ कि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव ब्रज गए, कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे, और 6 महीना बाद जब उद्धव आए तो देखा वही सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास बैठे, तो उद्धव बोले आपने मुझे ब्रज भेजा क्यों था जब सब आपके पास ही थे? तो ठाकुर जी बोले प्रेमी बनने के लिए, तुम ज्ञानी तो बहुत हो लेकिन मैं चाहता हूं तुम प्रेमी बनो, इसलिए मैंने ब्रजवासी गोपियों के पास तुमको भेजा। तो सृष्टि का सृजन हमारी योग्यता, निपुणता, श्रेष्ठता, हम और श्रेष्ठ हों, ये जो जीव हमारे भीतर है वो और शुद्ध पवित्र हो जाए, इसके लिए ठाकुर जी एक परीक्षात्मक रूप से सृष्टि बनाते हैं। तो ये एक प्रश्न था, और भी कई प्रश्न हैं, पर सबको प्रणाम करते हैं, आओ कथा में चलें, आज कथा ही कथा सुनो, बहुत लंबी कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज मंचासीन हैं और परीक्षित जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि वरियाने शते प्रश्न कृतो लोके तम्रपन
आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यःपरः। तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, कृतो लोक हितम नृप, लोक हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। लेकिन अब यहां थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। देखो, अब आज कृष्ण जन्म हो जाएगा, फिर कल से तो ब्रज की कथा है, उसमें तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति ही आगे चलेगी, पर ज्ञान वर्धका भक्ति और वैराग्य वर्धन जिस भक्ति से हो वो आज तक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा आज के क्रम को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहली बात तो ये प्रश्न जो तुमने किया है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वैसे तो तुमने अपने लिए किया नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये प्रश्न है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि तुम मुक्ति की कामना करना चाहते हो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, मुक्ति कैसे मिलती है? जिस व्यक्ति ने एक बार भी अपने संपूर्ण जीवन में भगवत दर्शन, अरे भगवत दर्शन तो बहुत दूर की बात, वैष्णवों के भी दर्शन यदि अपने जीवन में किए हो, निश्चित है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन परीक्षित, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मां के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकतर सब लोग यही चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले। मुक्ति की कामना कोई बुरी नहीं है, अच्छी है, परंतु मुक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ है वो समझिए। मुक्ति का मतलब क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार मां के गर्भ में आना, कर्म बंधन में बंद करके, और फिर अपने जीवन को, पूरे जीवन को कर्म बंधन में बंद करके जीना, फिर पूर्व का कर्म तो है ही, अगले कर्म, इस जन्म के कर्म और मिक्स हो जाते हैं, फिर लीड चढ़ जाती है। जो लोग क्रिकेट देखते हो, टेस्ट मैच देखते हो, उनको पता होगा, ये अभी टेस्ट चल रहा है ना आजकल, इंडिया साउथ अफ्रीका का, और थोड़ा क्रिकेट से लगाव है इसलिए उस रूप में कहूं तो, टेस्ट मैच में क्या होता है, जैसे एक एक टीम ने जितने रन बनाए, दूसरी टीम को उतने नहीं बनाने, उससे ज्यादा बनाओ ताकि दूसरी टीम को लीड चढ़े। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म तो हैं ही, उनको तो हम भोग ही रहे, फिर इस जन्म में भी हमने जो जो किया वो और पिछले मिलकर के और विशाल पर्वत बन जाते हैं, फिर दोबारा उनको भोगने लग जाओ, और इसी चक्कर में फंस करके बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जब मुक्ति प्राप्त करता है तो मुक्ति प्राप्त होते ही उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो ठाकुर जी के पास ही रहता है सदैव। और फिर जब ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं, राम बन के आए या कृष्ण बन के आए, तो जो लोग मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं ठाकुर जी, उन्हीं को ही पात्र बनाते हैं, भाई सुनो तुम हमारी मां बन के चलना है, तुम हमारे पिता नंद बाबा तुम बन के आना, अच्छा तुमको ना बड़े हमसे दो दो हाथ खेलने की इच्छा, तुम कंस बन के आना। इसी प्रकार सारे पात्र जितने भी आते हैं वो सब मुक्ति प्राप्त किए हुए ही पात्र बन करके आते हैं, और ठाकुर जी के संग लीला करके फिर उनकी पुनश्च मुक्ति हो जाती है। हमें मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? भगवान को विष देने आई पूतना, उसको भी मुक्ति मिली, और हमने भजन किया हमको भी मुक्ति मिली। पूतना ने कोई परिश्रम नहीं किया, भगवान से विद्वेष करके वो मुक्ति प्राप्त करती है, और हम भजन करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, और दोनों को पदवी क्या मिल रही है? मुक्ति की। मतलब मैंने इतनी कथाएं करी, इतना भजन किया, इतना राधा रमन लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, सब जगह दर्शन किए, अपने गिरधर लाल जी की खूब सेवा करी, और इन सब के बदले मुझे मिला क्या? मुक्ति। और मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही मैं वैकुंठ गया तो जो मुझे सीट मिली थी वहां मैं जाके बैठा, तो मैंने देखा, भाई देखूं और कौन बैठा है यहाँ पे, थोड़ी दूरी पे रावण भी बैठा था, थोड़ी दूर सूर्पनखा भी बैठी थी, इधर देखी तो वो भी पूतना भी बैठी है, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब बैठे हैं यहीं पे। भैया ये राक्षस यहाँ कैसे आ गए? बोले क्योंकि भगवत भगवत
विद्वेष के भले ही सही इन्होंने भगवान को याद किया और भगवान के द्वारा मारे गए इसलिए इनको भी मुक्ति मिली। मैंने कहा जय भले भैया, हमने इतनी मेहनत करी, गला फाड़ फाड़ के खूब संकीर्तन किया, हाथ घिस गए महाराज, सेवा कर करके मंदिर परिक्रमा दर्शन आदि कर करके संतों को प्रणाम कर करके कमर झुक गई तब जाके मुक्ति मिली, और इन्होंने भगवान को गालियां दी इनको मुक्ति मिल गई। इनमें और हम में कोई अंतर नहीं, ये है मुक्ति। मुक्ति सबको मिल जाएगी, जो भगवान से विद्वेष कर रहे हैं उनको भी मिल जाती है। बस अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवत स्मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है। यह है मुक्ति। लेकिन परीक्षित, तुम मुक्ति मांग रहे हो, यदि तुम्हारी मुक्ति होनी ही होती तो तुमने भगवत दर्शन किया है अपने मां के गर्भ में, तुमको मुक्ति की पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको मुक्ति मिल ही जाएगी, निश्चित है, ऑलरेडी तुम मुक्त हो चुके हो। लेकिन फिर भी सोचो, एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया तो ये नहीं कहा कि आज शाम को तक्षक सर्प डस दे, उसने 7 दिन की तुमको अवधि दी, 7 दिन को तुमको समय प्रदान किया। इससे क्या समझ में आता है? तुम मुक्ति कामना के लिए नहीं तुम्हारा जन्म हुआ है, भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको इसलिए नहीं बचाया कि तुम मुक्ति प्राप्त करो, इसलिए बचाया कि तुम कुछ श्रेष्ठ करो। परीक्षित बोले, वो श्रेष्ठ कर्म क्या है भगवान? बोले, मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति, पर 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो। भक्ति का मतलब क्या है? बोले, जीते जी श्वास चल रही है और भगवान मिल जाए, ये भक्ति है। मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, उसको मुक्ति कहते हैं, और जीते जी ठाकुर जी मिल जाएं, इसको भक्ति कहते हैं। क्या चाहिए? मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन हो, ये कामना नहीं है हमारी। हमारी तो कामना है इसी जन्म में ही। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण हम इसी के लिए कथा सुन रहे हैं, हम इसी के लिए नाम जप कर रहे हैं, इसी के लिए तिलक लगाए घूम रहे हैं, इसी के लिए शुद्ध आचरण कर रहे हैं, शुद्ध पवित्र व्यवहार कर रहे हैं, इसी के लिए हम ऐसे भेष में घूम रहे हैं, इसी के लिए हम संत संग कर रहे हैं, इसी के लिए हम विषयों से दूर हैं, ताकि हम इस योग्य बन जाएं कि हे राधिका रमण, आपके हमको प्रत्यक्ष इसी जन्म में दर्शन हो जाएं। बस वो दर्शन हो जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा करने नैन में, छिपा करने नैन में, बसा करने नैन में, छिपा करने नैन में। तो ये है भक्ति। हमारी अभिलाषा मुक्ति की नहीं है भगवान। हमारे ब्रजवासी तो गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, आप काशी पहुंच गए ये आपका पुण्य है, आप हरिद्वार पहुंच गए ये आपका पुण्य है, आप गंगा स्नान कर लिए ये पुण्य है, बद्रीनाथ केदारनाथ द्वारिका जगन्नाथपुरी रामेश्वरम किसी भी तीर्थ में आप चले गए
ये आपका पुण्य है, पर आप वृंदावन आ गए ये आपका फल है, ये पुण्य नहीं है। ये सब तीर्थ यात्राओं का फल है कि आप वृंदावन आ गए। तो वृंदावन को पुण्य में कभी मत गिनिएगा। वृंदावन में कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा ना, वृंदावन में जो करोगे वो फल ही है। फल से रस मांगा जाता है, वृंदावन तो फल है बंधुओं, वृंदावन पुण्य भूमि नहीं है। अरे कहां तक कहूं, एक शास्त्र में तो ऐसा भी कहीं वर्णन है कि वृंदावन को धाम बोलना भी वृंदावन की एक प्रकार से अवहेलना है। वृंदावन धाम नहीं है, वृंदावन तो निज ठाकुर जी का गृह है, श्री जी का, श्याम सुंदर का निज निवास स्थान है। वृंदावन अद्भुत है, यहां की रीति अलग है, यहां मुक्ति की कामना नहीं है। यहां तो ठाकुर जी से आज्ञा प्रार्थना की जाती है कि नाथ कृपा करो हमें पुनश्च पुनः जन्म मिले। हम अपने लाल जी के जन्मोत्सव पर एक पद गाते हैं, हमारे लाल जी का जब जन्मोत्सव होता है तो सब लोग बधाई मांगते हैं, आज जन्मोत्सव होगा यहाँ से बधाई लुटाई जाएंगी, आप सब लोग लूटोगे। लेकिन हमारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है 14 जनवरी को, 11 से 17 इस बार द्वारिका में उत्सव है, तो 14 जनवरी को हम ठाकुर जी से एक प्रार्थना करते हैं, बधाई में हे लालजू, आप सबन को बधाई में सोने चांदी हीरे जवाहरात ना जाने कहाँ कहाँ दे रहे हो, लेकिन हमको आपसे कहा चाहिए, बहुत ध्यान से सुनियो, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे लाल जी, यदि आप हमको बधाई में कुछ देना चाहते हो तो दोबारा वृंदावन दे देना, ऐसी कृपा कर दो, हमको स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति वैकुंठ इन सब की आवश्यकता नहीं है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी है, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। तुम मुक्ति की कामना नहीं है, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे लाल जी, आप कृपा करना बधाई में, आज आप सब भी नंदोत्सव में यही बधाई मांगी हूं। हे लाल जी, कृपा करो कलकत्ता बंबई दिल्ली चेन्नई ये सब नहीं, हमको पुनर्जन्म मिल जाए, और मिले कहां, श्रीधाम वृंदावन में मिले, वृंदावन के वासी बने। और वृंदावन में कहां बने, इंसान मत बनियो, यहां इंसानन की मौज ना आए, यहां तो बंदरन की मौज है। मुझको कभी कभी ऐसा लगता है वृंदावन में भजन करके जो प्राण त्याग देते हैं वो अगले जन्म में बंदर ही बन जाए, वो मौज कर वे आमे वृंदावन। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो, बंदर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। आज मैं घर से निकल रहा था यहाँ के लिए, तो हमारे मोहल्ले के बंदरों में लड़ाई चल रही थी, मैंने पूछा हमारे चालक साहब से, मैंने काय बात पे लड़ाई हो गई है, बोले कि किसी का चश्मा चुराया, दो बालकों ने मिलके, दोनों अलग अलग पिता के पुत्र थे, तो अब चश्मे पे लड़ाई हो रही है कि मैं लूंगा कि ते लेगा, वो फ्रूटी कौन मांगेगा फिर। तो इस बात पे लड़ाई चल रही है, मैंने कहा वाह बढ़िया है भैया चलन दो। तो वृंदावन में मौज तो भैया सबन की है, इसलिए मुक्ति की कामना नहीं, हमें तो भक्ति चाहिए। हे नाथ, आप कृपा करो ये भक्ति सदा हमारी, भक्ति के मार्ग पर यदि चल रहे हो बंधुओं तो निश्चित याद रखना कि आपको मुक्ति नहीं पुनश्च जन्म मिलेगा, और अगला जन्म जो होगा ना वो ठाकुर जी के और समीप प्राप्त होगा, और समीप मिलेगा। इसलिए भक्ति, परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो, भक्ति की याचना करो।
बहुत विस्तार से बताया यहाँ तो मुक्तियों के क्रम बताए, कौन कौन सी मुक्ति होती है, कैसे कैसे होती है, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, उन सब मुक्तियों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के अंत में कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तक्षक सर्प मुझे डस देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आपसे प्रार्थना है 7 दिन हो उससे पहले पहले श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन मुझको करा दीजिए, ऐसी भक्ति मेरे हृदय में प्रकट कर दीजिए। तब यहां से भागवत श्री सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते। अब आगे फिर सुखदेव जी ने सृष्टि प्रसंग कहा, पृथ्वी कैसे बनी, उसमें फिर मानव कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने, भागवत की पूरी साइंस यहाँ पर वर्णन की गई। उद्भिद स्वेदज जरायुज अंडज सबका निर्माण कैसे हुआ, ये सब भाव बताए गए। मानव को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया, भागवत के पुरुषण के पश्चात मानव की रचना हुई, और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बनाया। चारों भगवान के प्रथम अवतार माने गए। 10 मानस पुत्र हुए, सबसे छोटे नारद जी। तत्पश्चात ललाट से महादेव प्रकट हुए। तब भी सृष्टि सृजन का कोई नियुक्तिकरण नहीं हो पाया, तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 रूपों में परिणत किया, तो वाम अंग से स्वयंभू मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा प्रकट हुए। ये आदि मानव हैं। क्या हैं? आदि मानव का नाम बोलते ही हमारे मन में वो आ जाते हैं जो हमने हमारे स्कूल की साइंस में पढ़ा था, बंदर। आदि का मतलब होता है प्रथम मानव। कौन था पृथ्वी पर? तो श्रीमद् भागवत और हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार स्वयंभू मनु ये प्रथम मानव थे, और ये कोई बंदर नहीं थे, ये हमारी तरह मानव थे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की जो विज्ञान है उसको ध्यान से कभी, मैंने बहुत बार विस्तार से कहा है ये प्रसंग, आदि मानव यानी कि प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए। आपकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, आकुति देवभूति प्रसूति, ये 3 बेटी हुई स्वयंभू मनु शत्रुपा के, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं 5ों के वंश में पूरी कथा चलेगी आगे तक, इन्हीं के ही वंश के चलते 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 फिर हम लोगों तक आया है। अगर कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो वो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के संकल्प कर ले तो पूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा प्रारंभ उन्हीं से ही है। स्वयंभू मनु ने एक ग्रंथ लिखा है, आप सब भी उसको पढ़ सकते हैं, कई जगह हिंदी अनुवाद में वो मिलता है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ में मानव को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सब उसमें वर्णन किया है स्वयंभू मनु ने। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी, और अब यहाँ कथा आती है उनकी 1 पुत्री देवभूति की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है, कपिल देवभूति संवाद। देवभूति उनकी कथा अब यहां पर प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी की छाया से 1 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान की अनंत वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक वरदान मांगा। यहां जितने भी वैष्णव अविवाहित व्यक्ति बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अभी अविवाहित हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा। हजारों वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो वरम ब्रूयात, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके जो वरदान मांगा है, अद्भुत, कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह मेध धेनु उपेवान मूलमशेष मूलम
दुराशय काम दृदांगे पश्य। कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं ना, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मतलब मैं आपकी जितनी सेवा, जितना भजन, जितना आपसे स्नेह करता हूं नाथ, मुझे विवाह करना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी हो वो मुझसे भी अधिक आपसे स्नेह करने वाली हो। ये हजार वर्षों की तपस्या का केवल यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, श्रीमन नारायण के नेत्र सजल हो गए। कर्दम ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया, बोले वाह कर्दम, ये क्या मांगा तुमने? ये हजार वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या तुम इसके लिए कर रहे थे? बोले हाँ भगवान, मुझे एक योग्य भक्त पत्नी मिले, इस ऐसी कृपा मुझ पर करो। आजकल बंधुओं बड़ी विडंबना है, वैष्णव होना, ठाकुर जी का भक्त होना बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कहां तो युवा भक्ति मार्ग में आएंगे नहीं, और आते हैं तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूं, इतने सारे बालक सुनते हैं कथा, आते हैं मिलने, उनके माता पिता कहते महाराज जी इसको समझाओ, बहुत भक्ति करता। मैंने कि तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात? मैंने कि कोई माता पिता यूं कहे कि हमारा बेटा बहुत पीता है, बहुत खाता है, मैंने तो समझ आए भक्ति करता है, इसमें समझाने की क्या बात है? नहीं महाराज जी, अब इसका विवाह होगा, अब कहीं इसका पति या इसकी पत्नी वैसी नहीं मिली तो? अरे खाने पीने वाला होता, खाने पीने वाली मिल जाए तो चलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम खाने पीने वाले बन जाओ, लेकिन हम वैष्णव हैं, हमको वैष्णव पति नहीं मिलेगा इसलिए हम वैष्णवता छोड़ दें, ऐसा तो नहीं? इसलिए हमने अपने गुरुदेव से भी आज्ञा ली और एक संत से भी हमने पूछा, मैंने कि भैया कई लोग ऐसा भाव रखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तो जाना है, हम वैष्णव हैं, कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अब हमको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं, क्या करें? तो हमने एक उपाय तो बताया कि कर्दम ऋषि का ये मंत्र याद कर लो, इसका रोज ठाकुर जी से निवेदन करो, और ठाकुर जी से क्या कहो, हे ठाकुर जी हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हम आपके जितने नाम जप करते हैं, उससे अधिक आपसे प्रेम करने वाला, नाम जप करने वाला हमको जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। और दूसरा, जितने भी वैष्णव बालक हैं जो लाइव भी सुन रहे हैं, अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करो कि हम तिलक लगाते हैं, हम कंठी माला पहनते हैं, हम 108 नाम जप रोज करते हैं, हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, वृंदावन जाना हमारी हॉबी है, इनकी कथा सुनते हैं, ये सारी चीजें मेंशन करके चलो। तो अगर खाने पीने वाला परिवार होगा ना, तो वो ब्रैकेट देखते ही कह देगा कि क्षमा करें ही, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। लेकिन योग्य परिवार होगा तो आपके सामने हाथ फैला करके प्रसाद के रूप में आपके पुत्र या पुत्री को मांगेगा कि ऐसी संतान हमारे घर में आए, कृपा करो। और सबसे बड़ी बात है भैया, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ आपकी सेवा ना छूटे। मुझे स्मरण आता है मीराबाई के चरित्र, अभी मीरा चरित्र पर कथा थी गांधीधाम में, तो मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने होने वाले पति से कि हम आपके किसी भी सुख को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मीराबाई से ब्याह क्यों किया, उसके पीछे कारण वो बताते हैं कि भैया मेवाड़ में तो मीराबाई की वजह से खूब संत आते हैं पर हमारे मारवाड़ में नहीं आते, इसलिए मैं मीराबाई से ब्याह करूंगा ताकि एक वैष्णव हमारे घर में आए तो उसकी वजह से वैष्णवों का मारवाड़ में आना शुरू हो जाए, हम इसलिए मीराबाई से ब्याह करेंगे। तो आजकल बड़ा खतरनाक हो गया भैया, लोग बाग ब्याह ये पहले तो ये देख करके करते, खाता पीता तो नहीं है, आजकल उल्टा हो गया है, वो एकांत वार्तालाप में पूछ लेते तुम खाती पीती हो ना, बोला हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो ब्याह कर लेंगे।
दोनों रात में पैक लगा के पिया करेंगे, बोले हाँ फिर तो हमें बढ़िया बनेगी। कितना विचित्र हो गया है संसार। कुंडली मिले चाहे ना मिले, बाकी कोई गुण मिले चाहे ना मिले, पंडित जी कह रहे हैं एक भी गुण नहीं मिल रहा है भैया तुम्हारे। कोई नहीं, हमने एकांत में पूछ लिया, इसको भी वही प्रिय है जो ब्रांड मुझे प्रिय है, दोनों की बढ़िया चलेगी हमारी। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, यही तो कलयुग है, यही तो कलिकाल है। लेकिन वैष्णव जितने भी बालक हैं घबराओ नहीं, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। देखो अगर योग्य पति या पत्नी मिल जाए तो भगवान की कृपा, और अयोग्य पति या पत्नी मिले तो डबल कृपा। योग्य मिलेगी तो कृपा, दोनों मिलके भजन करना, और अयोग्य मिले तो उसके पक्ष का जो प्रेम जो उसको देना था वो भी ठाकुर जी को दे देना, लो ये भी आपका। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो और कृपा। पर ये मंत्र बहुत सुंदर है, इसको याद कर लो। क्या कह रहे हैं कर्दम ऋषि कि तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रह में दधेनु उपेवान मूलम शेषमूलम दुराशय काम दुदान कृपश्य। ठाकुर जी इतने खुश हो गए कर्दम ऋषि के इस भाव से, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम अश्रु आ गए, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से बिंदु सरोवर बन गया, भगवान ने हृदय से लगाया। और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि तुम चिंता नहीं करो, परसों तुम्हारा ब्याह होगा और इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयं भूमनु की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा, वो मेरी परम भक्त है, तुमसे ज्यादा भक्त है मेरी, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, जय हो भगवान, जय हो, मेरी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, आपने मुझे ऐसी कृपा कर दी, अनुग्रह कर दिया। एक जगह मुझसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी कर्दम ऋषि ने मांगा तो संसार भगवान से, और आप कथाओं में कहते हो कि ठाकुर जी से ठाकुर जी के अलावा कुछ मत मांगो। देखो ठाकुर जी से कोई सांसारिक व्यक्ति भी मांग, वस्तु भी मांगनी हो ना, तो वो भी ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में मांगो, पति हो पत्नी हो बालक हो। अब लोग कहते हैं हे बालाजी सरकार, हे वृंदावन बिहारी लाल हमारा घर बन जाए, अब ये आ गई संसार की बात। लेकिन आप बिहारी जी से कहो हे बिहारी जी अभी आप छोटे घर में विराज रहे हो, हम चाहते हैं कि आपका सुंदर भवन हो, आप सुंदर कक्ष में विराज हो, आपकी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, ऐसी कृपा करो नाथ आपकी सुंदर भवन निर्माण हो, आपका बने। ठाकुर जी को निवेदित करते हुए ग्रह की भी कामना होगी तो वह भी भक्ति बन जाएगा। गाड़ी की कामना कर रहे हो अपने लिए है तो वो सांसारी है, लेकिन ठाकुर जी से कहो लाल जी आपके लिए रथ लेना है हमको, आप कहीं चलो तो रथ में बैठ करके जाओ। इस भाव से गाड़ी की भी कामना होगी ना तो वह भी भगवत प्रसाद है। लेकिन कई लोग बड़े चतुर हैं, मन में तो ये सोच रहे हैं उपभोग तो हमको ही करना है, लेकिन ब्यास जी कह रहे हैं तो बोलना ही तो है बस, बिहारी जी से आपके लिए चाहिए करवा दो, उपभोग तो हमें ही करेंगे, ऐसा नहीं। पूर्ण रूपेण मन बुद्धि चित्त सब में ठाकुर जी का प्रसाद है, यही भाव होना चाहिए। जैसे कि कर्दम ऋषि का है, उनको उपभोग के लिए गृहिणी की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी आपकी भक्ति में कर पाऊं, आपकी भक्ति और श्रेष्ठता से मेरे ग्रह में हो, इसके लिए मुझे एक श्रेष्ठ भक्त पत्नी प्रदान करो। भगवान ने कह दिया कर्दम ऋषि की पुत्री स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा, ये तो आपने वरदान मांगा था हमने आपको दे दिया, पर आपके वरदान आपके तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं, एक वरदान हम और देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले आपको हमारी भक्त पत्नी प्राप्त होगी, और दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि आपके घर संतान बन के मैं ही आऊंगा, आपके घर संतान के रूप में मेरा आगमन होगा। आहा कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं, नाचने लगे महाराज, ठाकुर जी की भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, जय जय आपने बड़ी कृपा की भगवान।
बंधुओं ये निश्चित मानिए, जब वैष्णव पत्नी और वैष्णव पति होते हैं, दोनों मिलकर के भगवत सेवा और भगवत भाव रखते हैं, ऐसे कुल में ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो ठाकुर जी का अंश ही बालक के रूप में आया है। कर्दम ऋषि का विवाह देवभूति जी के साथ में हुआ और देवभूति जी से विवाह हुआ। फिर ऐसी कथा आती है कि कर्दम ऋषि देवभूति के रूप को देखने लगे और देखते देखते महाराज उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई। कर्दम ऋषि ब्याह होते ही पतिदेव समाधि में चले गए, दूल्हे राजा समाधि में चले गए और 60 वर्ष की समाधि में गए। समाधि के पश्चात जब नेत्र खुले तो सामने देखा एक वयोवृद्ध माता जी बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो मेरी मैया, हमारी पत्नी अभी अभी ब्याह हुआ था, आपने देखा। मैया ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं आपकी पत्नी। बोले आप तो वृद्ध हो गई। बोले अब आप 60 वर्ष की समाधि में जाओगे तो हम क्या ऐसी बैठी रहेंगी। कर्दम ऋषि तपस्वी हैं इसलिए उनके तन पर कोई असर नहीं होता है, वे यथावत जैसे थे वैसे ही हैं। आज भी वृंदावन में बंधु ऐसे कई संत हैं, आप स्पर्श तो देखो नहीं करना, पर उनका उनकी त्वचा ऐसी है जैसे छोटे बालक की। वो भजन करते हैं, उनका मुखाकृति भले ही उनके दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, उनका रूप ऐसा होगा, पर उनको देख करके कभी लगेगा ही नहीं कि ये सांसारी व्यक्ति है। ऐसा लगेगा नन्ना कोई बालक हो। अभी हमारे घर कथा थी, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इतना सरल सहज स्वभाव महाराज जी, इतनी ऊंची पदवी पर हैं, इतने ज्ञान का भंडार, इतने विद्वान, थ्रू आउट संस्कृत बोलते हैं, 2 मिनट में संस्कृत में श्लोक बना देते, इतनी विद्वत्ता, लेकिन इतने सरल सहज स्वभाव महाराज जी का, उनको देख के ऐसा लगता कोई छोटा बालक है क्या। कथा में जाने से पहले एक दिन, अब महाराज जी दिव्य चक्षु हैं, नेत्रों से देख नहीं पाते, तो बालक उनके संग रहने वाले तिलक लगाते थे उनके, तो मैं वहीं रहता था, तो नाम जप उनका चलता रहता, 2 लाख नाम रोज करते। नाम जप करके जब तिलक पूर्ण हुआ तो मुझसे बोले, इंद्रेश, और फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी, तो अपने गाल पे हाथ रख के बोले, मैं क्यूट लग रहा हूँ ना। मेरे महाराज जी बहुत बढ़िया लग रहे हो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और उनके तन का स्पर्श जब हम करते, हाथ का, मुख का, चरण, तो बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत नन्हे बालक की कोमल त्वचा होती है ऐसी। ये सब भजन का प्रताप है कि युग और समय का क्रम हमारे शरीर पर लगता नहीं है। हम जितने ज्यादा संसारी होंगे उतने ज्यादा संसारी दिखने लगेंगे, हमारे रूप में भी दिखने लगेगा कि बहुत संसारी व्यक्ति है। तो कर्दम ऋषि ने देखा कि वृद्ध मैया बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में निकाल दी, हम 60 वर्ष तक समाधि में रहे, आपने हमारी इतनी सेवा की, अरे आप चाहती तो अपने पिता के पास चली जाती, कहीं और ब्याह कर लेती, लेकिन आपने हमारा त्याग नहीं किया, हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ हम आपको क्या दें। देवूति माता बोली, अब वृद्धावस्था में क्या देंगे आप। तब कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम कामग विमान, और बिंदु सरोवर में स्नान कराते ही देवूति माता पुनश्च युवा हो गई और उनके साथ कामग विमान में अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, इन्हीं को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, इनके नाम 9 भक्ति, कर्दम ऋषि क्या 9 भक्ति हुई ऐसा नहीं है, पर इनको नवदा भक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये 9 पुत्री हुई, उसके बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान पधारे। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे, पहले नवदा भक्ति का आना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मैं नवदा भक्ति पर कुछ प्रकाश डालूंगा,
मैं सप्ताह पूरी नवदा भक्ति पर दो तीन बार कर चुका हूँ, पर अब विस्तार से तो बहुत जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहें। सबसे पहले श्रवणम, ठाकुर जी की कथा में रुचि बनाना बहुत आवश्यक है। माफ कीजिएगा, आप सेवा खूब करते हो, आप श्रृंगार खूब करते हो, आप नाम जप खूब करते हो, लेकिन कथा में आते ही आपको सुस्ती आ रही है, कथा में आते ही आपको बेचैनी हो रही है, मन मचल रहा है, तो अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। नींव ही हिल रही है तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी पूरी। भक्ति की नींव है श्रवण भक्ति। कथा श्रवण करो, श्रवण में पहले रुचि बढ़ाओ। और आपके चाहने से रुचि नहीं बढ़ेगी, यह भी मैं कह दूं। आप सोचो कि मैं पानी पी पी करके, चाय पी पी करके और इलायची खा खा करके खुद को जगाता रहूं, बगल वाले से बोल दो नोचते रहना मुझे, मेरी आंख खुलती रहे, इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो सब दिखता है ना, और ये तो इतना बढ़िया पंडाल है महाराज, श्रोता ऊपर बैठे, व्यास जी नीचे बैठे, अद्भुत है ये तो। यहां तो मुझे और स्पष्ट दिख जाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं उठना है, ऐसे मन नहीं लगाना है कथा में। कथा में मन लगने का मतलब है कि बिना अनायास ही आपका मन लग जाए, और ये निश्चित है आपके चाहने से नहीं होगा, ये भी श्री जी की कृपा होगी तो ही हो पाएगा। श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो वही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जनों के चरण रज का ये प्रभाव। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तनम, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए, बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसति क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मत भक्ति युक्त हो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधु, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा
सब कुछ और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो तब सेवा, आप करोगे नहीं ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम, पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है, ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की, ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, और फिर आएगा दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है, तुम तज कहीं अनत ना जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास, क्या नाम था, मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास, कथा क्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोरदार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे, जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे, तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनना, तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना, तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो, तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, 13 लाख सोने की मोहर हुई थी पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली, 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे, अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी, नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यही जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण ना निकल जाएं,
मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया, वृंदावन आकर के रहने लगे। यहाँ पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों? वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पर घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, अब यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं हम, तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पान, हे नाथ मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषे, विष को सुख बहान, घर घर जो डोलो तो हरी तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी? मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहाँ कौन को नवाऊं, अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं, आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गधा चढ़ी जाऊं, बोले ठाकुर जी पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं, इसका मतलब अब मैं हाथी पर चढ़ गया हूं। हाथी पर चढ़ने के बाद भला कोई गधे पर जाता है दोबारा? बंधुओं जिन्होंने भी नाम जप प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पर बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पर ना जाना पड़े। एक बार हाथी पर बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा सब जगह? तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं, अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर के तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा, तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है,
लेकिन भले आदमी दो चार बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो ये आपकी ठीक है, योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरा सखा है, ये मेरा सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले ये सात सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे नाथ वैसे रहें, यह है नवदा भक्ति। तो ये नौ जब आएंगे तब दसवें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। कर्दम ऋषि के यहां नौ पुत्रियां हुई, उनके बाद दसवीं संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही नौ पुत्रियों का ब्याह कर दिया और कर्दम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले, कहो। कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में दस इंद्रियां हैं और इन दसों इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीव को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे। ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको दो दिन बाद फिर चाहिए। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी। और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो, कहीं और मत देखो, आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो,
आप अपना समय व्यर्थ मत करो, एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा, हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसा कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियासी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहाँ बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो एक ध्यान से सुन लो, हमें पता हम भजन जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें भूले ही जाते हैं, कई बार चार घंटे निकल जाते हैं जो बैठे रह जाएं, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अभी दुखी हो गए, अभी बस समय निकाल लें, ऐसा नहीं है। कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज़्यादा प्रिय हैं, वो तो हम गाते हैं, पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप चार घंटे कहीं बैठ सकते हो नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना तो ढाई तीन घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी, लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो पूरी कथा सुन रहे हो, क्यों? दूसरा अलार्म बजाया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे, लेकिन यहाँ देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो, क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती, और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ ये खिलाओ ये खिलाओ, मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ, और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा, तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कैसे का जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग Oh.
उसका संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है, वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा, किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है, आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना, इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए, क्यों नहीं आए, बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी इसलिए नहीं आए, कलकत्ता जाते ही, बंबई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको, बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं भैया, और जो ठाकुर जी के ना है उनसे हमारा कोई संबंध ना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और अब यहां ठाकुर जी आज्ञा करते मैया, ये पंच गुण जिसमें हो उसका संग करो। कित तिक्षव कारुणिका श्रुहिद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। सबसे पहला मैया, ये पंच गुण जिसमें दिखें उसका संग करो। सबसे पहला गुण कौन सा है? सहनशीलता, जो आज की डेट में आप किसी में नहीं दिखेगी। आपको व्यक्ति सहनशील बिल्कुल भी नहीं है, और सहनशीलता पहचान करने का सबसे बढ़िया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल। वाह, विराज जाओ, जने में वे वारो या हमारे बिजली कड़क रही है, मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन है कि मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बादल गरज रहे हैं, तो वही सब है रो भैया। अब सब लोग सावधानी से बैठो, आपको तो मौका चाहिए बात करने का। बोल राधा रमण लाल की जय। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, पंच लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए जिसका हम संग करें? तितिक्षव, सहनशीलता, तितिक्षव। दूसरा लक्षण कारुणिका, कारुणिका का मतलब दया, लिखते जाइएगा, सहनशीलता, दया। श्रुहिदह सर्वदेहि नाम, श्रुहिदह सर्वदेहि नाम का अर्थ है सबका भला चाहने वाला, केवल मैं और मेरे प्रसन्न रहे ऐसी भावना नहीं, सबका मंगल हो। सहनशीलता, दया और सबका हित चाहने वाला, ये तीन लक्षण हो गए।
चौथा अजात शत्रु, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं हो, उससे कोई शत्रुता रखे ये बात एक है, पर वो किसी को अपना शत्रु ना माने। अरे कहां तक कहीं ये तक विचार कर ले कि मेरे शत्रु का पूरे भूमंडल पर जन्म हुआ ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये चौथा लक्षण। और पांचवा लक्षण, शांता, कम बोलता हो। ये पंच लक्षण जिसमें हो मां, उसका संग करो, उसी से ही संबंध बनाओ। और ये पांचों में से एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। इन पांचों में से एक भी नहीं है जिसके अंदर, वो कितना भी अपना हो उसका त्याग करो, नहीं तो उसके संग से दूषितता आपके भीतर भी आएगी। अच्छा, एक चीज हमने इस पर एक गौर किया कि ये पंच लक्षण आपको किसी में दिखे आज तक? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, अजात शत्रु और शांता, किसी में ये पांचों लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम में भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी पांचों में से एक भी लक्षण नहीं है, तो फिर किसी और से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उसमें हो? इसलिए कपिल भगवान के इस निर्देशन को समझो कि भाई ये पंच लक्षण दूसरे में देखने से बढ़िया पहले खुद में लाओ। और इसमें भी एक तरीका और है, आप पहले सहनशील बनना चाहोगे, उसके बाद दयावंत बनना चाहो, सबका भला चाहो, अजात शत्रु बनो, शांता बनो, नहीं, उल्टा करो, पहले शांत बनो, पहले शांता, बहु जल्पिक, बहुत बोलने की जो हमारी स्थिति है ये कम हो, शांत रहना प्रारंभ करो। जब कभी लगे कि भगवत चर्चा है, यहां मैं बोलूं वहीं बोलो, बाकी सांसारिक चर्चाओं में जितना हो सके मौन रहो, शांत रहना प्रारंभ करो। जैसे ही आप शांत रहना प्रारंभ करोगे, आप हमारी इस बात को बिल्कुल मान लीजिएगा, बाकी के चार लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कम बोलोगे तो निश्चित है कि आपकी किसी शत्रुता होगी नहीं, शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बहुत बोलते हैं, बात बात पर वाद विवाद कलेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले के कभी शत्रु होंगे ही नहीं, बोलेगा ही नहीं तो शत्रु कौन होगा? तो बहु जल्पिक, सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे, सबका भला अपने आप चाहने लग जाओगे, दया अपने आप जीवन में आ जाएगी और अपने आप सहनशील बन जाओगे। पंच लक्षण। कपिल देवभूति संवाद बंधुओं, ये क्या है? एक प्रकार से हम आप सब लोगों का एक श्रृंगार है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं कपिल देवभूति संवाद में। मानव एक अलग ही फॉर्मेट में क्रिएट होकर के आएगा अगर पूरे कपिल देवभूति संवाद को भाव से श्रवण कर ले तो। तो कपिल भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। अब देवभूति माता ने और भी कई सारे प्रश्न किए हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए, भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं और ठाकुर जी को कौन से प्रिय होते हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर भगवान कपिल से देवभूति माता ने किए, सबको हम प्रणाम करते हैं। अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, मैया आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाव बताने से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या सार पाया मेरी जितनी भी वार्ता थी उसका? तब देवभूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जिहु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहु श्वश्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति एते। देवभूति माता कहती हैं, भगवान मैंने आपके संपूर्ण ज्ञान से यही ग्रहण किया कि कितने भी साधन कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, पर जीवन में कल्याण आपका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आप में भी नहीं है, आपका नाम सबसे बलवान है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे, महाराज जी जैसे हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं अपने, तो नाम जब से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रारब्ध कर्म नाम जप करने से पहाड़ जो होगा वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन लगेगा फिर भी आपको,
जो पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म का आपने नाम जब करना प्रारंभ कर दिया तो वो पहाड़ जो गिरने वाला था अब वो कंकड़ बन के गिरेगा। लेकिन नाम जप का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो कंकड़ गिरेगा तो सही, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उससे जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, ये नाम जप की सामर्थ्य। तो यहां पर देवूति माता ने कहा कि मैया ठाकुर जी आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और कैसी सामर्थ्य है? तब कहते हैं स्वपचोतो गरियान। स्वपच कहते हैं भक्ष भक्ष खाने वाला, दूषित जानवरों को मार करके खा जाने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी जीव से आपका नाम गुणगान करना प्रारंभ कर दे तो वो नाम गुणगान उस स्वपच जाति के व्यक्ति का भी कल्याण कर देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके नाम को वंदन करता हूं। एक बार एक कथा में सुनाता हूं, एक गुरु जी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था, तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी, जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरु जी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोला, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूँ। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक बारहसिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ भोग लगाओ फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये बारहसिंघा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो। बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको, आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है शिकारी? बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोला हाँ। और कर्णयो कर्ण कारम, उसके कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं, यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे अगर लंबा हो पीछे से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहे मधुमंगल, बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग लो, या बारे में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहाँ से श्रीधामा कहे को ना लाला माँ बढ़िया ना लग रो, यहीं पहन। सो फिर उछालते हैं, फिर यहाँ पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्ण यो हो कर्ण कारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विभ्रद्वास कनक कपिसम पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है?
बोलो वही जयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विहोर हो गया, बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ 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 अपने शिकार विकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था उसने, अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, चार दिन बीत गए, भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के। लेकिन सोचने लगा मेरे गुरु जी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था, ठाकुर जी को उसका यह भाव प्रिय लग गया। और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बांकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बांकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के, ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मूर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था, ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज, जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए, होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ, गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहां, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं बताओ, कहां लगाऊं चूल्हा वूला, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा ये, बहुत मुश्किल से मिला मुझे, 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया और ठाकुर जी उसके वश में आ गए। तो हे नाथ आपके नाम में इतनी सामर्थ है, आपकी लीला गुण में इतनी सामर्थ है कि एक स्वपच प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो वो आपका नाम है भगवान। उस नाम के आश्रय में, कथा के आश्रय में कोई भी आ जाए उसको आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति हो ही जाती है। ऐसे नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इसलिए हम कथाओं में गाया करते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में
ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया सब लोग गाओ
गुरुजी को नचाने का मतलब क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम लोग फेरे में नाच रहे हैं ऐसे नाचे, नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है। मीरा भाई गोवर्धन आई तो मीरा भाई आकर के ठाकुर जी के सामने नाचने लगे। अब जैसे ही नाचने लगी तो जितने भी लोग थे ना वो सब कानापूसी करने लगे। अरे देखो नाचने वाली आई, देखो कैसे नाच रही है, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं हो रही है, अरे देखो कितने लोग बैठे नाच रही है, ऐसा विचार करने लगे। लेकिन गुसाई जी ने क्या किया, जो अंदर सेवा में थे, उन्होंने ठाकुर जी की गले की निज माला और बीड़ा प्रसाद लेकर के आए और मीरा भाई को पहना दिया। तो महाराज पूरे गोवर्धन में हल्ला हो गया। जिस निज प्रसाद को किसी को नहीं दिया जाता, बहुत श्रेष्ठ लोगों को दिया जाता, मीरा भाई को दे दिया, एक नाचने वाली को दे दिया। सब लोगों ने गुसाई जी से कहा, आपने अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग आपने एक नाचने वाली को क्यों दिया। गुसाई जी कह रहे, तुमको वो नाचने वाली लग रही थी, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना तब मैं ठाकुर जी को देख रहा था तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी के दांत दिखाई दे रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनकी दतुइयां दिख रही थी। अरे तुमको मीराबाई दिख रही थी लेकिन भीतर मैंने देखा तो भीतर खड़े खड़े त्रिभंग लली भी झूम रहे थे, मीराबाई के नृत्य पर ठाकुर जी भी नाच रहे थे। और तुम यहां भी ये विचार कर रहे हो वो नाचने वाली वो गाने वाली, अरे जिसके भाव से ठाकुर जी रिझ रहे हैं उसको ठाकुर जी की प्रसादी नहीं मिलनी चाहिए, वो आपको रिझाने के लिए नहीं नाच रही, वो ठाकुर जी के लिए नाच रही है। आहा, ऐसे भी नाचे ना, हम भी कभी बिहारी जी के सामने जाकर के कुछ गाएं, कुछ कहें, कुछ नाचें, तो प्रत्युत्तर में ठाकुर जी भी कुछ करें। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, yeah.
हम बांध लेंगे तो फिर वो कहां भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करें। हे नाथ, आपके नाम में आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है, जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कहकर के निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कहकर के संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी, इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है, उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाएगा। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले माँ अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है, बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद हुआ, प्रणाम करते हैं। आगे आकुति देवभूति आकुति प्रसूति तीन बहनें, आकुति की कथा आती है, उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में सुसंपन्न हुआ। आकुति देवभूति और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और सती शिव विवाह यहाँ पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोह न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो, वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको, महादेव ही कृपा करेंगे अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं वृंदावन आओ पहले रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, इन पांचों को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है, सबसे पहले आते ही यहाँ पर ब्रजरज आपके माथे पर दिखनी चाहिए, ब्रज की रज आपके आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे, ब्रजरज। फिर वृक्षवल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहाँ श्वास लेंगे आप ही हमको प्रदान करोगे, हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो, वृक्षवल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम, आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं, इन ब्रजवासियों के यहाँ से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकरी पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, वे गोपी का भाव देते हैं,
और जब भाव इन पंचों को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे, तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं, फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया। बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूँ तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूँ, मंदिर ले जाती हूँ, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं ध्रुव जी। कैसी कटौती? तो कहते हैं, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। 2रा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो 2रे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। 2रे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो 3रे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। 4था महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया, 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं, महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है, कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो अरे मैया कल तो द्वादशी है, धुआंधार बनाओ 56 भोग। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो, ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहां निकला क्या, बोले हाँ यहां तो दिख गया, बोले निगोरो यहां तो निकरो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे, मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है।
ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया, मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं, ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले, भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको। ठाकुर जी बोले, क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो चित्र जो चित्त की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज, ठाकुर जी कहाँ चले गए। हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा देखते ही। मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से मैं ऐसा कहेंगे वैसा नहीं तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे दिखेंगे फिर इच्छा होगी, अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी स्थिति, संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो दूध ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर है, जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। आओ किशोरी जी, हम कर रहे हैं अभी जन्म कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, विराजो। ठाकुर जी आज संकेत पर संकेत, जल्दी कर मो आनो मेरा जन्म कर, अब श्री जी भेजिए हैं। जय हो। कहाँ थे मैं तो भूल गया, क्या कह रहा था, कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या हाँ, दर्शन होगा तो क्या होगा है? भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ कुछ समझ नहीं आए, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, ठाकुर जी के लिए तो बहुत दूर की बात। संग्रह की स्थिति है कि ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही, तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर है। ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की शुद्ध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते हैं तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है हमें क्या कहना है, तन कांपने लगता है, तो सोचो ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पश्पर शबालम कृपया कपोलो
अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए, ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा, लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा। भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज को, भगवान बोले अब बोलो। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, यहां पर एक बात है कि ध्रुव जी दंडवत करना भी भूल गए। पहली बार तो ठाकुर जी को दंडवत करना ये भी भूल गए। ये भी भगवान ने जब शंख स्पर्श कराया तब ध्रुव जी को याद आया कि मुझे दंडवत करना है। तो एक इतना सुंदर भाव है, कितने वर्ष के ध्रुव जी, 4.5-5 वर्ष की आयु है बस, और उस समय ध्रुव जी की स्थिति क्या है। तद्दर्शनेन कथा साध्व शिक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डव दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिवनिवार्भक शुम्मन्निवाश्येन भुजैर्लिवाश्लेषन्। मुझे इतना प्रिय लगता है ये भाव। ध्रुव जी की स्थिति क्या है, ये उनके मन का भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ध्रुव के मन में क्या चल रहा है ठाकुर जी को देख करके। बोले ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा है, ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे गोल गोल इनके गाल हैं कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर के और अपने अपने 2-4 दांतों से इनके गाल को काट लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। चुम्मन निवाश्येन भुजैर रिवाश्लेषन, ठाकुर जी के गाल पर एक चुम्मन ले लूं और अपने भुजाओं में ऐसे कस करके पकड़ लूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग बाग कहते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, ठाकुर जी गोपियों के संग महाराज करते थे, अरे गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। अरे परीक्षित, एक 5 वर्ष का बालक भी जब ठाकुर जी को देखता है तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी। ठाकुर जी को देख करके एक 5.5 वर्ष का बालक, 4.5-5 वर्ष का बालक जिसको ये ही नहीं पता कि ये सब क्या होता है, उसके हृदय में भाव आ रहा है कि मैं ठाकुर जी को जोर से कस के पकड़ लूं और इनके कपोलों को थोड़ा सा अपने दांतों से काट लूं। ऐसी भाव जब ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं तो किसी गोपी के हृदय में आ गए तो हमारे चित्त में प्रश्न क्यों आता है। ये ठाकुर जी के स्वरूप है कि उस पर सब रीझ जाते हैं और सबका भाव ऐसा ही हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, वैरागी, वीतरागी क्यों ना हो, ठाकुर जी आ गए तो निश्चित है वो गोपी और वो कृष्ण बन जाएंगे। वो कृष्ण है और वो अपने आप को गोपी ही माने, बिना गोपी हुए ठाकुर जी मिले ही नहीं, समझो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, मांगो वरदान, क्या चाहिए ध्रुव। तब ध्रुव जी कहते हैं, भगवान, भक्तिम मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामलाशयानां येनाञ्जसौल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा रूपी सागर में मैं सदा डूबा रहूं। जहां कहीं भी आपकी कथा चलती हो मैं वहां बैठ करके आपके सुंदर गुणानुवादों को सुनता रहूं। नाथ, मेरे पर ऐसी कृपा। भगवान बोले, भले आदमी, तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो, क्यों। ध्रुव जी कहते हैं, बोले आपको मांगूंगा तो आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, लेकिन आपकी कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो। ठाकुर जी प्रत्येक रोम आपका अनुभव करता है, इसलिए नाथ 2 नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो ऐसी कथा मुझको चाहिए। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। गरुण जी के भी नेत्र सजल हो गए ये मिलन हरि हर हरि और भक्त का देख करके। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने
ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने का आज्ञा की। ध्रुव जी बोले, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अब आपके दर्शन हो गए, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा मैं। भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो पिता की गद्दी पर बैठने की थी, इसीलिए तुम आए थे हमारे पास। अब जाओ, हम तुमको इतना राज्य गद्दी का उपभोग देंगे कि तुम ऊब जाओगे। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन पालन किया। तत्पश्चात भगवत कृपा से मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबको ध्रुव जी रोज दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब हम हनुमान जी बन रहे हैं। आप सब लोग भी ध्यान से अब एक एक प्रसंग की सूक्ष्मता सुनिए और सीधे चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा बैन हुए, उत्कल हुए, उत्कल के बेटा बैन, बैन के यहाँ भगवान प्रथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे प्रथु महाराज का अवतरण हुआ। आगे श्रीमद् भागवत में फिर रहुगण, जड़ भरत उपाख्यान और परंजन उपाख्यान आदि सब सुनाई गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल के वर्णन के पश्चात फिर नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है उसके बारे में बताया गया। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत् सिर एकदापि। ये तीन काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। कौन कौन से तीन काम? सबसे पहला, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जीव पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम नहीं गाती। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता। कृष्णायनो नमति यत् सिर एकदापि, पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में जिसका सर नहीं झुकता, ऐसा व्यक्ति जो अपना दिन व्यतीत करता है बिना ठाकुर जी के प्रति ये तीन उद्गार किए, उसको नरक जाना पड़ता है। ये स्वयं यमराज जी कहते हैं भागवत में। इसलिए भैया ये तीन डोज हैं, सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। सुबह उठते ही ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का नाम गाओ और सर झुकाओ। फिर दोपहर के प्रसाद पाते समय ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। रात्रि सोने से पहले भी ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। ये तीन सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, आपको नरक रूपी व्याधा कभी नहीं सताएगी। तो इस प्रकार ये नरकों का वर्णन किया। आगे फिर भगवान के भक्त वृत्रासुर की कथा आई, जिन्होंने असुर होते हुए भी भगवान की अद्भुत भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति की। मेरी अत्यंत प्रिय स्तुति है वृत्रासुर स्तुति, पर आज इसको प्रणाम करेंगे। फिर तत्पश्चात सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप की कथा, जिनके वंश में, जिनके कुल में भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज का जन्म कैसे हो गया? ऐसे राक्षस कुल में एक भक्त बालक कैसे आ गया? इसके पीछे प्रताप कथा का है। हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था, तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तभी नारद जी ने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप हिमालय पर है, पत्नी गर्भवती है, इसी समय जाकर के यदि भगवत कथा उनकी पत्नी को चुपके से ही सही सुना दी जाए तो गर्भ में बैठे बालक पर उसका प्रभाव होगा। और श्री नारद जी महाराज ने भक्ति भागवत भागीरथी उनको श्रवण कराई। उसी का परिणाम यह हुआ कि ऐसे दुष्ट कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त हुए। गर्भ में बालक जब सातवें महीने में होता है, उसके लिए तो विशेष कहा गया है, तब माता को कथा श्रवण करनी चाहिए। और पांच नियम बताए गए हैं, गर्भ में जब बालक आ जाए तब मां पांच नियमों का पालन करे। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। ये पंच काम यदि माताएं करें, सबसे पहली बात सत्य, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात सब पर दया, सत्यम शौचम दया और चौथी बात दानम, नित्य दान करें, कुछ भी, अन्न का, वस्त्र का, धन का। और पांचवा और सबसे कठिन, एक भुक्तम तु भोजनम, फलाहारी रहे बस एक ही बार प्रसाद पाए।
यदि वर्षा एक वर्ष तक 9 महीने तक माताओं ने इन पंच नियमों का पालन किया, श्रीमद् भागवत जी के महात्म में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं होगा। और क्या करे, इन 5 के साथ साथ नित्य सत्संग श्रवण करे, नित्य भगवत भागवत कथा श्रवण करे, उसका बालक अद्भुत होगा, साधारण नहीं होगा। गर्भ में माताएं सोचती हैं कि जन्म लेने के बाद बालक की परवरिश करनी है तब वो अच्छा होगा, नहीं, आप 9 महीने परवरिश करो जब बालक गर्भ में हो, अपनी परवरिश करो, फिर देखिएगा 9 महीने के बाद आपको उसकी परवरिश की आवश्यकता। कयाधु को गर्भ अवस्था में नारद जी ने कथा सुनाई और उसी का परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी का आगमन हुआ। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट करके आए, आकर के देखा अपने पुत्र को तो गोद में उठाया, बोले बेटा तुम विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ दानवी विद्या सीखते हो? बोले हाँ पिताजी, दानवी विद्या सीखते हैं। अच्छा, तुमको जो सबसे अच्छी बात लगती हो वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले भगवान आप सुनोगे, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बोले हाँ बताओ। प्रहलाद जी बोले सुनिए पिताजी, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआ है और इसमें हम आप सब लोग गिरते जा रहे हैं, भेड़ चाल चलते हुए सब गिर रहे हैं। भेड़ चाल पता है, अगर भेड़ एक साथ लाइन में चल रही है और आगे वाली भेड़ यदि कुआ में कूद जाए तो बाकियों को तुम कितना भी रोको सब कूदेंगी, क्योंकि आगे वाली कूद गई है। उनकी भलाई के लिए आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेंगे, तब भी कूदेंगे। ऐसे ही हम मानव हो गए। बोले पिताजी, संसार रूपी अंधे कुएं में हर व्यक्ति गिर रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं, संभलते नहीं। इसका प्रमाण, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंधा देने वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं, बोले भैया देखो ये व्यक्ति जा रहा है, इसका ब्याह हुआ, इतने बालक हुए, इसने इतना धन कमाया, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतने बड़े बड़े घर बनाए, इतनी सारी गाड़ियां खरीदी, लेकिन आज अकेला जा रहा है। इसलिए भैया जितने जीवित हो ध्यान से सुनो, न पत्नी सत्य है, न संतान सत्य है, न धन सत्य है, केवल राम नाम सत्य है। इसलिए हम बोलते हुए जाते हैं। बताओ, आज पता चली, कितने सारे लोगों को लेके गए होंगे, तब भी बोलते। अब हमारी क्या, यही तो भेड़ चाल है, इसी को तो भेड़ चाल बोलते हैं। बस देखा देखी सुना सुनी हम कर रहे हैं, हमको उसका मूल नहीं पता है। इसलिए हम जो जीवित हैं, भैया सब लोग सावधान हो जाओ, राम का आश्रय ले लो, ये कुछ भी संग नहीं लेके गया है, केवल राम ही सार्थक है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है, किसी का जन्मदिन हो आप जाके बोल दो भैया राम नाम सत्य है, किसी का ब्याह हो उसमें जाके बोल दो राम नाम सत्य है, आप मारपीट के भगा दिए जाओगे। घर में भोजन करते करते जैसे ही भोजन पूर्ण हो पत्नी से बोला आज तो आनंद आ गया, राम नाम सत्य है भैया। अब सगुन हो गया, आप लोग हंसे क्यों? इसीलिए तो हंसे क्योंकि आप सब भी यही मानते हो कि भाई किसी की मृत्यु के अलावा इसको मत बोलो। ये कितनी बड़ी हमारी दुर्बुद्धि है। जो परम सत्य है हम उसको अपशगुन मानते हैं, इससे बड़ी दुर्बुद्धि हमारी क्या होगी। कृष्ण नाम सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, ये परम सत्य है और इसको हमने एक अपशगुन सूचक मान लिया। कहां तक कहें, लोग बाग ये तक बोल देते हैं उसकी मृत्यु हुई, नहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, राम नाम सत्य उसका नहीं हुआ, राम नाम सत्य उनका हुआ जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, उनका राम नाम सत्य हो गया, उन्होंने सत्यता से राम को प्राप्त कर लिया।
हम अपनी बुद्धि को बदलें। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी संसार एक अंधा कुआ है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पिताजी इसलिए मैं तो कहता हूं कि समय आए मृत्यु का उससे पहले, हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतः यद दरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो उससे पहले पहले जग जाओ और वनम गतः, वनम यानी वृंदावनम गतः, वृंदावन जाकर के भगवत प्राप्ति कर लो। आप लोगों ने तो ताली बजाई लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठा के दूर पटक दिया। कहां से सीख के आया ये सब, कौन सिखाता है इसको? संडमर्क गुरु जी से कहा इसको मार दो, सैनिकों को आज्ञा कर दी मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। अनेक प्रयास सबने किए लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। भुआ आई, क्या नाम था, होलिका, लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को। ऐसी सॉल थी उसके पास कि उसको ओढ़ के नदी में कूद जाए डूबेगी नहीं, चिता में बैठ जाए जलेगी नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने जैसी चिता में अग्नि हुई, हरिशरणम 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 आर्तनाद से कीर्तन किया, कीर्तन में इतनी मग्न हो गई होलिका कि धीरे धीरे कब कब में वो सॉल ठाक प्रहलाद जी को लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। इसीलिए जब सुबह जब चिता शांत हुई ना तो लोग बाग बैठे थे देखने को, कौन बचेगा कौन बचेगा, होलिका बचेगी भैया, इतनी बड़ी लपट उठी थी होलिका फिर भी बच जाएगी, सब होलिका को देखने के लिए बैठे थे। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही हुई महाराज, उस राख के ढेर में से जब प्रहलाद जी निकल करके आए तो सारे नगर के लोगों ने उसी राख को उड़ा करके होली का उत्सव मनाया, उसी राख को एक दूसरे के गाल पर लगा करके ये होली उत्सव मनाया जिसको आज रंगों की होली हम लोग मनाते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा हुई इसलिए उत्सव मनाते हैं हम लोग। प्रहलाद जी महाराज को कोई नहीं मार पाया, हिरण्यकश्यप ने वापस विद्यालय में भेज दिया और दानवी विद्या सिखाओ ताकि इसकी मति बदले। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए प्रमाण है, जो लोग कहते हैं ना हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ऐसे मेजोरिटी में रहते हैं, ऐसे ऑफिस में हमारे काम है, हमारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, हमारे कलीग्स ऐसे हैं कि खाना पीना पड़ जाता है, महाराज जी सीखो प्रहलाद जी से। ना परिवार अनुकूल था ना विद्यालय अनुकूल था, फिर भी ठाकुर जी के भजन में लगे रहे। आप जो लोग बहाने देते हैं कि प्रतिकूल परिवार है, प्रतिकूल ऑफिस है, प्रतिकूल कॉलेज है, उसमें भी आप भजन नहीं छोड़ोगे तब देखना आपके लिए भी नृसिंह प्रकट हो जाएंगे खंभ से, जैसे प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए। प्रतिकूलता में जो भक्ति को अपनी बचा करके रखता है वो प्रहलाद है, अनुकूलता में तो कोई भी भक्ति कर लेता है, कोई भी भजन कर लेता है, प्रतिकूल अवस्था में करो तब आप प्रहलाद हो। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, तन से ऐसा भी नहीं है कि तन से बिल्कुल आलसी थे, कुछ करते नहीं थे। प्रहलाद जी सारे दानवों वाले काम करते थे, विद्यालय में जो सिखाया जाता था सब सीखते थे, लेकिन जीवन में उतारते किसको थे, जो नारद जी ने बचपन में मां के गर्भ में सिखाया था भक्ति मार्ग। एक दिन क्रोध में भर करके प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप गया, कह दिया बोले कहाँ है तेरा भगवान, उसको मैं मारूंगा। बोले सब सर्वत्र है पिताजी। अच्छा इस खंभ में? बोले हाँ मुझे दिखता है। खंभ का भेदन जैसे ही किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्युतरूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगं न मानुषं। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, शाम तक युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान को प्रसन्न किया। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करके भगवान नृसिंह अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत सुंदर है पर समय का अभाव, हम कल परसों, अभी दो, कल तो दो समय कथा है, कल यदि अवकाश लगा तो मैं कल उसको निश्चित कहूँगा। आगे बंधुओं, देवासुर संग्राम और बलि बामन अवतार की कथा आई,
भगवान बामन बनकर के बलि के यहाँ आए और तीनों लोकों की भिक्षा लेकर के तीन पग जमीन की भिक्षा मांग करके तीनों लोकों को हरण करके बलि को अपना दास बनाया। बलि ने चरण पद अपने शीश पर मांग करके भगवान को अपनी भक्ति से लुभा लिया। आगे फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथा आई, जिस सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत में 2 अध्याय में संपूर्ण राम कथा बताई गई है। हम एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करें और सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। सब लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करो, एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा है। गुरुवर थे तख्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितब्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की। हम एक प्रार्थना करें बंधुओं, दिवाली आ रही है, कब? 22 जनवरी को हमारी द्वितीय दिवाली हम हिंदुओं की। प्रभु श्री राम अपने नव मंदिर में विराजमान होंगे, ये उत्सव का दिन है। जिस प्रकार बंधुओं दिवाली पर आप सब लोग अपना घर सजाते हैं, इस बार भी 22 जनवरी को निश्चित सजाइएगा। जहाँ कहीं भी रहें अपने घर पर, जैसे दीपोत्सव के दिन, वो वाली दीपावली पर तो आप पटाखे फोड़ते हो, अब की वाली दीपावली पर कीर्तन करिएगा। अब की वाली दीपावली पर घर को सजाना सुंदर, और सब घर के लोग उस दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, इस बार प्रभु श्री राम के मंगल स्वरूप को अपने अपने घरों में विराजमान करना, उनका खूब स्वागत करना। प्रभु श्री राम पुनश्च अपने नव मंदिर में विराज रहे हैं। उस दिन तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ही कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, प्रभु श्री राम के नव मंदिर की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राम। वाह, जय हो। आ गई सबरी बानर सेना। तो ऐसे प्रभु श्री राम के मंगल उत्सव को आप खूब धूमधाम से मनाइएगा 22 जनवरी को। हमारी कथा रहेगी गुना मध्य प्रदेश में, हम वहां मनाएंगे। आप लोग भी जहां जहां रहो वहां उत्सव मनाइएगा। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। संपूर्ण चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए बताया कि उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज विश्राम ले लिए कि भैया मथुरा में कंस के यहाँ जन्म हुआ, वहां से ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल में जाके लीला करी, वहां से वृंदावन गए, वृंदावन से गोवर्धन में गिरिराज पर्वत उठाया, वापस मथुरा आकर के कंस को मार दिया, कंस को मार के ठाकुर जी द्वारिका चले गए, द्वारिका जाके 16,108 ब्याह किए, महाभारत युद्ध करा करके भगवान एक दिन अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। संपूर्ण कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने सुना दी और शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान आप शांत क्यों हो गए? सुखदेव जी बोले, हमने पूरी कथा सुना दी तुमको, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कृष्ण कथा में। परीक्षित जी महाराज चरणों में नतमस्तक होते हुए बोले, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतं। भगवन, मुझे 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसने वाला है, लेकिन मैं आपको प्रमाण देके कह सकता हूं, यदि आपने मुझे कथा आगे और विस्तार से कृष्ण लीला नहीं सुनाई तो 7 दिन से पहले ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब ये कथा मेरे लिए आहार बन चुकी है, ये कथा मेरे लिए हवा बन चुकी है, ये कथा जीवित रहने के जितने साधन है वो साधन के रूप में अब कथा हो चुकी है। नाथ, इस कथा को विश्राम मत करो, आप मेरे प्राण बन चुकी है कथा, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है भगवान, पर आपसे यही प्रार्थना है कि आप कथा विस्तार से सुनाओ। बंधुओं,
सुखदेव जी कहते हैं कथा के प्रति ऐसी ललक जब होती है तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। कृष्ण की प्राप्ति के लिए ऐसी उत्कंठा जब होती है तब कृष्ण चरित्र प्रारंभ होता है। हमारी आपकी तरह नहीं है, 10 बार घड़ी देख लेते हैं कि कब पूरी होगी कथा, कब उठ के जाएं, ऐसा नहीं। बार बार यही विचार है कि भैया ये कथा ही हमारा सर्वस्व है, यही जीवन है। ऐसी स्थिति जब होती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, क्योंकि अब ब्रज की कथा है ना, ब्रज में प्रवेश तब मिलेगा जब ऐसी स्थिति हो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित में परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, पर तुम्हारी स्थिति देख करके अब मुझे लगता है कि अब तुम ब्रज में आने के योग्य हो, चलो अब मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराता हूं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवंतो सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वसुदेव जी के घर साक्षात मेरा अवतरण होने वाला है, आप प्रतीक्षा करो। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करा के आज उनको विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने आज्ञा कर दी, बोले कंस जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बालक 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा नाश करेगा। कंस को जैसे ये बात पता चली कि देवकी का 8वां बालक मेरी हत्या करेगा, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इनको मत मारो, हम तुम्हें वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। पहले बालक ने जन्म लिया तो कंस के हृदय में थोड़ी ममता आ गई, अरे मेरा भांजा है मैं कैसे मारूं। तो नारद जी ने आकर के कहा कि इसको मत छोड़ना। बोले क्यों? बोले प्रथम से 8वां कोई भी मार सकता है, 8वां गर्भ नहीं, कोई भी मार देगा तुमको। देवताओं ने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि भाई कंस इतना पाप करे कि ठाकुर जी रोक ही नहीं पाए स्वयं को आने से। कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे। बलराम जी के गर्भ में आते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा कर दी, बोले जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, जो काम हमारा है वो काम बलराम जी कर देंगे, इसलिए कैसे भी करके इनका स्थानांतरित करो। तो कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किए गए और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक के रूप में अब भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने महाराज डबल डबल ताले लगा दिए, सैनिकों को तैनात कर दिया, तैयार रहो मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। भादों का महीना अष्टमी तिथि मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि में चंद्रमा बिल्कुल मध्यस्थ जैसे ही पहुंचे हैं, भादों का महीना अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के दिन मंदम मंदम जलधारा, भागवत में वर्णन है वायु में भी चंदन की सुगंध आ रही है, मंदराचल पर्वत से चंदन की लकड़ियों की सुगंध लेकर के वायु बह रही है, सब लोग अत्यंत गहरी नींद में सोए हैं। और तब मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ साथ स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ही बाल कृष्ण रूप के रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो। और अरे अभी अभी थाली नहीं, कंस उठ जाएगा, अभी ठाकुर जी को पहले गोकुल पहुंचने दो। अभी मथुरा में जन्म हुआ, जब गोकुल पहुंचे तब थाली बजेंगे। अभी ठाकुर जी को लइयो भी नहीं भैया, अभी बैठा दियो। सब लोग हाथ जोड़ो। ठाकुर जी कैसे हैं? उनके रूप का दर्शन करो।
तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। ठाकुर जी नन्हे से ही हैं पर चतुर्भुजम चार भुजा धारण करके प्रकट हुए, और केवल चार भुजा नहीं है, चारों भुजाओं में भी आयुध लेकर के ठाकुर जी आए, पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन करके आए, मुकुट पहन करके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुशोभित हैं। देवकी मैया ने पहले दर्शन करके प्रणाम किया, बलैया लेने लगे, लेकिन फिर कहने लगे, ठाकुर जी आप तो पिताजी बन के आए हो, लाला बन के नहीं आए हैं, कपड़ा उपड़ा पहन के बिल्कुल आयुध हाथ में लेकर के ऐसे कौन बालक आता है। बोल मैया जन्म लेते ही बालकों को मारने मामा कंस आ जाता है, इसलिए हम तो पूरे संघ चक्र गदा पद्म सब सब संग लेकर के आए, आते ही मामा को मार देंगे। देवकी मैया ने जिज्ञासा की, हे नाथ, एक माँ का सबसे बड़ा सुख होता है बालक को जन्म लेते ही अपने आंचल में भरना और अपने पयोधर का उसको पान कराना। मेरे छह बालकों के प्रसव काल में कंस मेरे सिर पर आके खड़ा हो जाता था और गर्व से बालक निकलते मैं देख नहीं पाती थी, कंस मार देता था। इतना कष्ट मैंने सहा, लेकिन इस कष्ट को सहने का बल केवल एक आशा रखती थी कि अष्टम गर्व में आप पधारोगे तो आपको हृदय से लगाऊंगी, आपको अपना पयोधर पिलाऊंगी। नाथ आप चार भुजा में आए हो, ऐसे बन के आयो, मैं कैसे गोद में लू नाथ। ठाकुर जी बोले, मैया यदि आपकी भावना की पूर्ति के लिए मैं दो भुजा अंतर ध्यान कर लूं, बालक बन जाऊं, आपके पयोधर का पान करूं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा, ब्रज जाऊंगा, 11 वर्ष 56 दिन गोपियों के संग बढ़िया आनंद करेंगे, ग्वालों के संग लीला करेंगे, और फिर 11 वर्ष का विरह आपको सहना पड़ेगा, 11 वर्ष बाद लौट करके आऊंगा, तब आपको मेरा दर्शन होगा, मंजूर है। देवकी मैया बोली, एक क्षण का ये ठाकुर जी की लीला है, मैं कल भी कह रहा था ना, ठाकुर जी पहेली हैं भैया, या तो श्री कृष्ण की शरण में आओ, नहीं आओ तो यही रखना, पहेली खेलेंगे। मतलब देवकी मैया के क्षण भर की इच्छा पूर्ति के बाद वो 11 वर्ष का विरह देने वाले हैं उनको। लेकिन देवकी मैया बोली, मुझे मंजूर है नाथ, मुझे विरह मंजूर है, पर एक बार आप मेरे आंचल से लग जाओ। ठाकुर जी नन्हे से हो गए, दो भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, बिल्कुल एक कोमल छोटे से बालक के भांति ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिया। देव की मैया ने गोद में उठा करके अपने पयोधर का पान कराया, यहां से ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे थे और देव की मैया के अश्रु जल ठाकुर जी के श्री अंग पर गिर रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है। मैया को सुख देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, पिताजी अब आप हमको ले चलो। बोले कहाँ? बोले अभी अभी नंदरानी यशोदा ने गोकुल में एक लाली को जन्म दियो है, अब कथा ब्रजभाषा में होगी, ध्यान से सुनियो। अभी नंदरानी ने एक लाली को जन्म दियो है गोकुल में, आप ले जा करके मुँह को वहां सुवाए दो और माते वाल लाली को लाए करके कंस को दे दियो। वसुदेव जी बोले, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये तो कोई गाजर मूली तोड़े वारो काम है, हैं हाथन में हथकड़ियां, पैरन में बेड़ियां लगी हैं, इतने द्वारपाल और ये सब ताले वाले लगे, कैसे लेके जाऊं आपको। ठाकुर जी बोले, इसी भय में ही भक्त मेरे आश्रय नहीं हो पाता, घर का बंधन, समाज का बंधन, ये सारे बंधनों को गिनाता रहता, ठाकुर जी कैसे आऊं मैं, इतने बंधन है। अरे बंधन मत गिनाओ, मेरे चरण पकड़ो, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी, ये बंधन मत गिनाते रहा करो, ये कारण ये कारण, ये बंधन ये बंधन। अरे आप आओ तो सही शरण में, पिताजी आप मुकु गोद में लियो तो सही, पहले ही बंधन दिखा रहे हो मुकु। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में सोए हैं, सारे बंधनों को खोल दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले, अब ले चलो मुकु, और वसुदेव जी श्री ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से, शेषनाग छत्री बनकर के ठाकुर जी के पीछे चल रहे हैं, यमुना जी में समुद्र के भांति लहरें उठ रही हैं, क्यों?
बोले आज पूरे विश्व भर की नदियां यमुना जी में आई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया, यमुना जी ने एक लहर के माध्यम से ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी सब गहरी निद्रा में सोए हैं, योग निद्रा में सब सोए हैं। नंद रानी के भवन में जाकर के एक नन्ही सी बालिका सोई थी, उसको उठा करके ठाकुर जी को वहां पौड़ा दिया। और बालिका को लेकर के जैसे ही मथुरा आए, सारे ताले लग गए, बेड़ियां लग गईं, हथकड़ियां लग गईं, दरबान सब उठ गए और बालिका रोने लगी। ठाकुर जी का आश्रय लोगे सब बंधन टूट जाएंगे, और जैसे ही माया के आश्रय में जाओगे सारे बंधन फिर पकड़ लेंगे। यही है माया और ठाकुर जी में भेद। कंस दौड़ा दौड़ा आया, मेरा शत्रु। कंस बोला, ये बेटा होना तो बेटी कैसे हो गई? देवकी मैया बोली, बेटी है, इसको छोड़ दो। द्वारपालों ने कह दिया, बोले महाराज आपने बेटी समझ को छोड़ दिया तो फिर इस बेटी का बेटा मारेगा आपको, फिर आप भयभीत रहोगे जीवन भर, मार ही दो। कंस ने पकड़ करके चरण और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कंस के सिर पर पादप प्रहार करते हुए आकाश को प्रस्थान कर गई और बोली, कंस जिसके भय से तुम बचना चाह रहे हो उसने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया और तुम्हारा अंत वही करेगा। कंस बोला, एड्रेस बता जाओ, कहाँ लिया? ये हंसने नहीं, सत्य में पूछा उसने। तो योग माया ने कहा, यत्रत्वा, कहाँ लिया है ये नहीं बताऊंगी, लेकिन लिया 84 कोस के ब्रज में है। अब यहां कंस ने महाराज राक्षसों की मीटिंग बुलाई, ढूंढो मेरे शत्रु को। अब कंस को करने दो मीटिंग, आप चलो मेरे संग गोकुल। आहा, सब ब्रजवासी प्रतीक्षा में है कि अब के बार भैया नंद बाबा के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा, उनकी दो ननद हैं, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा, मतलब ठाकुर जी की बुआ। 6 महीना से डेरो डाल के पड़ी है महाराज भाभी की सेवा में। बोले, क्यों? लाला होएगो तो घरेवारी मेवा मिलेगी। आज सवेरे सवेरे जैसे ही देखी महाराज की, अभी तक नंदरानी अपने भवन से बाहर ना आई। कहा, भयो? जैसे ही जाकर के देखी सो नंदरानी के बगल में चदरिया ओढ़ो नेक सो नीलमणि जैसो बालक कुल बुलाए रहे हो, अपने हाथ पामन को चलाए रहो, लेकिन चदरिया ओढ़ रखी है, पतो ना चल रही कि लालाए की लाली। नंदा सुनंदा दोनों पहुंच गई, दोनों ने जाके, अरे देखियो कैसे नीलो नीलो सो बालक भयो, नील मणि जैसो, नील रत्न जैसो बालक है। जब तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था ना, तब तक ठाकुर जी को सब नीलमणि बोलते थे ब्रज में। अरे नीलमणि घूम रहो भैया, हमारो नीलमणि जा रहो है, नीलमणि। ठाकुर जी नीलमणि की तरह चमक रहे हैं। 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा बोली, है गया 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 है गया, बजाए दो। इतने में ही नंदा सुनंदा बोली, रुको 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 रुको, अभी और रुको, बैठ जाओ। बोले, कहा? बोले, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को देंगी, अभी हल्ला मत मचाओ। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा जैसे ही गौशाला में पहुंची, बाबा माला जप रहे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना, जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा ने जाग घेर लिए, बोले, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले, कहा भयो? बोले, पहले जे बताओ कहा मिलेगो। बोले, जो मांगेगी सो दूंगा, बता तो सही कहा भयो। बोले, नवलखा को हार चाहिए गरेवारो। बोले, नवलखा को ना, 16 लखा को दूंगा, तू बता तो सही कहा भयो। बोले, आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी गौवन की सेवा करी, ब्रजवासीन की इतनी सेवा करी, यमुना मैया की कृपा सो बाबा 80 वर्ष की आयु में आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। आहा, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई, अरे जोर से बजा दो आप। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न है गए, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, सबन को पतो चली महाराज, सब ऐसे ही आनंद मना रहे हैं। अब सुनो, अब आप लोगों से प्रार्थना,
अब सुनो नेक नेक सुनो, एक बात सुन लो फिर आप सुनोगे नहीं कुछ भी। आप जहाँ खड़े हैं वहीं नृत्य कीजिएगा, आगे ज्यादा लोग मत आना, है ना। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई और महाराज सब भाव से गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। देखो भैया, जो नहीं गावेगो जो नहीं नाचेगो वाकू अपने बगलवारे की सौगंध है। कोनी मार के एक दूसरे से कहो भैया आज तो दोनों भुजा उठा के भाव से नृत्य करो, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ ब्रज में। जब हम कहें ब्रज में आ गई का ये हमारा मूड बहुत बड़ा, ओ ब्रज में है। जब हम कहें ब्रज में तो आपको जोर से कहनी है जय हो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, बधाई हो, बधाई हो। सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य
साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ये जो बधाई लूटने में व्यस्त हो गए हैं, ये जो बधाई लूटवे में व्यस्त हो गए हैं, भैया आप सबन को सौगंध है, बिना नाचे बिना गाए बधाई लूटोगे तो पेट में दर्द है जाएगा, ऐसे बधाई ना लूटनी। और सुनो भैया, अभी बधाई कम लुटाओ, अभी तो बहुत लंबो उत्सव करनो, ये सब देखो बधाई लूटवे में लग गए। ऐसे नहीं, भाव से भुजा उठा के गाते भय, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हम ब्रज में उठाओ, लाला को आशीर्वाद प्रदान करो। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, जियो श्याम लाला। Oh,
जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। हाँ हाँ ओ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सब महाराज यशोदा मैया को कह रही हैं, मैया हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया ऐसो सुत दे जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। 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 उत्सव की आप सबको पुनश्च पुनः बधाई। हमारे कथा के यजमान परिवार,
और आए हुए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। अब कल बंधुओं दो समय कथा है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। कल दो सत्र में कथा होगी, आप सब लोग समय का ध्यान रख करके सुबह और सायंकालीन भाव में पधारें। अभी बाल कृष्ण प्रभु की मंगल आरती यहाँ हो रही है, आप सब लोग मंगल आरती का दर्शन करो, तत्पश्चात प्रस्थान करिएगा। जय श्री कृष्ण। पुष्पै देवाभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिः।
नाना सुगंध पुष्पा।